Anshika, can you please turn on your video? Yeah, we are live and you all are on hotspot. You can start. Anshika, you can start. I'll request Neeja ma'am to start first. Namaskar. स्पीक मै के द्वारा ऑनलाइन आयोजित अनुभव 2021 में आप सभी का स्वागत है। कथक कार्यशाला से मैं नीरजा शुक्ला। बड़े हर्ष का विषय है कि इस कार्यशाला में हमको सानिध्य मिला है कथक जयपुर घराने के गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी का। पंडित जी, स्पीक मै के की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमें विश्वास है कि ये कार्यशाला विद्यार्थियों को न केवल कथक नृत्य का परिचय देगी बल्कि उनमें इस कला के प्रति रुचि भी जागृत करेगी। मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्पीक मैके संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ जी का और स्पीक मैके की पूरी टीम का, जिसके अथक प्रयासों से अनुभव 2021 ने अपना आकार लिया है, ये साकार हुआ है। मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी विद्यार्थियों का, उनके अभिभावकों का। ये कार्यशाला आप ही के लिए है और निश्चित रूप से ये बच्चे अपने घरों में ही सुरक्षित रहते हुए COVID-19 की इस विषम परिस्थिति में स्पीक मैके के सौजन्य से कथक नृत्य की बारीकियों को आगे आने वाले 6 दिनों में सीखेंगे। अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने साथी युवा वॉलंटियर्स को सौंप रही हूँ, वंशिका, श्रुति और शशिभूषण। आप लोग इस कार्यशाला को कृपया आगे ले जाएं। धन्यवाद। वंशिका। नमस्कार, मैं वंशिका सिंह, मिरांडा हाउस बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा, आप सभी का स्पिकमे के द्वारा आयोजित इस वार्षिक सम्मेलन अनुभव 2021 में स्वागत करती हूँ, जहां हमें हमारे देश की अनोखी संस्कृति, सभ्यता व परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस कार्यशाला में उपस्थित माननीय पंडित राजेंद्र गंगानी जी, उनके शिष्य धीरेंद्र तिवारी जी, प्रीति शर्मा जी जो गुरुजी से पिछले 15 वर्षों से कथक सीखते आ रहे हैं, स्पिकमे के सीनियर वॉलंटियर डॉक्टर नीरजा शुक्ला जी व भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। स्पिकमे के यानी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ पिछले 44 वर्षों से चलने वाला एक गैर राजनीतिक स्वैच्छिक आंदोलन है, जिसकी नींव डॉक्टर किरण सेठ ने सन 1977 में रखी थी। स्पिकमे के माध्यम से हमारी कोशिश हमारे देश के युवा वर्ग को अपने देश की संस्कृति व परंपरा से अवगत कराना है। अनुभव 2020 और 2021 इसी दिशा में रखे गए छोटे कदम हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जून 1, 2020 को ऑडियो वीडियो संदेश के माध्यम से स्पिकमे के अनुभव 2020 का शुभ आरंभ किया था। पिछले वर्ष के सफल आयोजन को देखते हुए इस वर्ष भी अनुभव 2021 का आयोजन ऑनलाइन किया गया है, जिसमें घर पर रहकर ही युवाओं को कला और शिल्प से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के गुरुओं द्वारा सत्र दिए जाएंगे। अब मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ पंडित राजेंद्र गंगानी जी का, जिनकी उपस्थिति मात्र ने ही इस कार्यक्रम को इतनी विशेषता प्रदान करी है। पंडित राजेंद्र गंगानी जी भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कलाओं का में से एक कथक के प्रवक्ता हैं। आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पहले से ही कथक कला को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। आपने 4 वर्ष की आयु से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। गुरु कुंडनलाल गंगानी जी के मार्गदर्शन में आपने बड़ी आसानी से कथक के जटिल बोल और जयपुर घराना की उन सभी कठिन पहलुओं को अपनी अद्भुत नाट्य शैली में अवशोषित कर लिया। एक विपुल कोरियोग्राफर व कलाकार के रूप में आप रचनात्मकता के साथ परंपरा की शुद्धता को बुनते हैं। आपने राधा कृष्ण के प्रेम
भगवान विष्णु की लीला वर्णन, ऐसे अनेक विशेषज्ञ टुकड़े जैसे त्रिबंधी, सरगम, झलक, सृजन, कविता कृति, महारास और परंपरा पर अनेक समूह रचनाएं व नृत्य नाटक कोरियोग्राफ किए हैं। इतना ही नहीं, आपने एक कुशल संगीतकार भी हैं और धुनों की गहरी समझ रखते हैं। तबला, हारमोनियम, पखावज व बके वादन में आपको विशेष गति प्राप्त है। कथक की विरासत को नए शिखर पर ले जाने के लिए आपको अनेक पुरस्कार जैसे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत राज शास्त्रीय अकादमी, नाटक शिरोमणि से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003 में आपको प्रधानमंत्री एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया। आपकी प्रस्तुति हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम के दौरान कुछ निर्देश का यानी इंस्ट्रक्शंस का पालन, अपना कैमरा हर वक्त ऑन रखें, अपने डिवाइस को उचित दूरी पर रखें, अपने माइक को म्यूट ही रखें। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पहले हैंड रेस करें और अभी हमें अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी चैट बॉक्स में लिख कर दें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अब मैं चाहूंगी आगे श्री राजेंद्र गंगानी जी इसे आगे बढ़ाएं। जी, बहुत खुशी का विषय है कि स्पीक मैं के हमारी कलाओं को और हमारी विरासत को अपने साथ लगभग 44 वर्षों से लेके चल रहे हैं और हमारे सब जो भारत के जितने भी शास्त्रीय संगीत नृत्य इन सब विधाओं से जुड़े सब लोग एक अपने आप को स्पीक मैके का एक परिवार समझते हैं और हम इस चीज के लिए वाकई मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्री किरण सेठ जी को कि उन्होंने किस वक्त कितनी एक गहरी सोच रखी और उसकी एक नींव रखी कि हम आगे जब समय बढ़ता जाएगा तो परिस्थितियाँ कैसी कैसी आ सकती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ी योजना उन्होंने बनाई और मैं बहुत अच्छा भी लग रहा थी कहते हुए शायद किरण जी हैं सुन रहे होंगे कि उनका बड़ा प्यारा सा मैसेज भी मुझे मिला कि आप आ रहे हैं हम लोग बहुत खुश हैं और निर्जय जी आपको भी देख के से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है और इस कार्यशाला या इस अनुभव का एक यही मकसद रहेगा कि इन 5 दिन में जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स लोग जो जिज्ञासु हैं जिनको अपनी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति भी करना चाहते हैं क्योंकि संगीत कोई भी कला जब आप सीख रहे होते हैं तो शिक्षा जब आप शिक्षा हो रही होती उसके साथ ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान अर्जित तब होता है जब आप पारंपरिक कलाओं के गुरुओं से सानिध्य में जाते हैं या उनसे रूबरू होते हैं उनसे अनुभव कुछ मिलता है उनकी बातें सुनते हैं उनसे कुछ सीखते हैं। आप 5 दिन में अपना जो ये समय है वो ऐसा समय है कि आपको याद रखने वाला समय बन जाता है और ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए ये भी चाहूँगा कि आप लोग जो भी इसको सुन रहे हैं या जो आप ज्वाइन करेंगे उनके मन में इस कला को लेके या किसी विषय को लेके जिज्ञासा है तो वो हाथ रेज करके आपसे या कुछ क्वेश्चन पूछें तो मैं उस सवाल का कोई जवाब दे सकूं या दे पाऊं ताकि उनकी जिज्ञासा क्योंकि जब तक स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक वो किसी चीज को प्राप्त नहीं करेंगे उनके अंदर क्वेश्चन उठने चाहिए और वो क्वेश्चन ऐसे उठने चाहिए जो ज्ञानवर्धक हो कि एक क्वेश्चन एक का हुआ और उसे 100 ने सुना और 100 ने वो आंसर जो सुना उनके लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो वो इस तरीके से इसका वो बढ़ना चाहिए और जब ये आप कहेंगे तो मैं अगर किसी का कोई सवाल नहीं होगा तो हम शिक्षा का प्रारंभ कर देंगे। तो पूछ लो
कोई ऐसा है तो अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप पूछ फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे। गुरुजी शायद किसी को कोई प्रश्न है नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता। अच्छा वंशिका ये बताओ टोटल कितने बच्चे इसमें हैं जुड़े हैं? गुरुजी अभी अभी 43 हैं। अच्छा ठीक है, और ये बच्चे इस अलग अलग एरिया से शायद ना? हाँ जी बहुत अलग अलग मतलब पूरे इंडिया में से होंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शायद कुछ कहीं सीखा भी है कथक या कोई भी नृत्य सीखा भी होगा, कई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल उनके लिए ये कहना चाहिए पहला अनुभव भी हो सकता है। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम कलाओं में प्रारंभ की जाती है तो सर्वप्रथम हम उस रंगमंच को या उस भूमि को प्रणाम करते हैं कि अब इस रंगमंच पे हम नृत्य प्रारंभ करेंगे। हे माँ, हे मातृभूमि, हमें शक्ति देना, हमें ज्ञान देना, ताकि हम जो कला कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो आराधना करने वाले हैं, वो हम अच्छे से मन लगा के और उसको उस ज्ञान को अर्जित करें, हमारे दिल और दिमाग पे वो रहे और हम इसकी प्राप्ति के लिए इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, भूमि से आज्ञा ले रहे हैं। तत्पश्चात हम देवी देवता गुरु ये वंदना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि सारे जो भी पार्टिसिपेट हैं वो अपनी एक स्पेस ले लें, जितनी दूर पर वो खड़े हो सकते हैं, जितना हाथ फैला सकते हैं वो स्पेस ले लें और सब लोग तैयार हो जाएं बच्चे। और मैं भी अभी यहाँ पे खड़ा होकर उनको सर्वप्रथम भूमि प्रणाम सिखाऊंगा। ठीक है, कथक में मतलब कथक में क्या, किसी भी नृत्य विद्या में जैसा मैंने शुरू में बताया था, हम प्रारंभ करते हैं भूमि प्रणाम से। तो हम स्पेस लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि दूर हो जाइए। लंबा कैसे होगा धीरेन्द्र? धीरेन्द्र ये जो ये चार्जर लगाए, इसको चार्जर को इधर लगाएंगे तो पीछे लंबा कैसे होगा? हो जाए तो जाएगा। अभी भूमि प्रणाम करना है। हाँ नीलचा जी और वंशिका जी और सारे बच्चों के, धीरेन्द्र तिवारी जी हैं और प्रीति शर्मा हैं, ये दोनों सहयोग करेंगे और आप सब बच्चों को ये जो जो चीजें मैं और ये दोनों मिलके सिखाएंगे। तो हम लोग पहले प्रारंभ कर रहे हैं भूमि प्रणाम को। ठीक है ना, सो पहले तो थोड़ा सा इनको पैर की पोजीशन और हाथ की पोजीशन बना देते हैं। ये आप लोग देखिए, पैरों को वी शेप में रखना आपको एग्जैक्ट, ये तो आपके पैर होंगे वी शेप में। और आप ये जो दोनों हाथ हैं ये भी ठीक आपके अपने सामने रखिए, और अगर ये सोचें तो ये इधर से वी शेप, इधर से भी वी शेप होता है, हाथ का भी कोने से आगे की तरफ बढ़े तो दोनों तरफ वी शेप हो जाते हैं। सो हम 16 तक के काउंटिंग में ऐसे प्रणाम करेंगे। एक चीज और देखिएगा कि आपको शायद ये लग दिखेगा,
मैं अपना राइट करूंगा, ये जैसे हाथ इधर गया तो राइट है, इधर गया तो लेफ्ट, वो मेरा है, और आपके लिए इधर होगा राइट, आपको जो करना होगा। ठीक है, कैमरे के साथ एक ये रहता है कि उसका रिफ्लेक्ट होता है या ऑपोजिट दिखाई देता है। सो एक तो सब लोग आप लोग इस शेप में खड़े हो जाएं। ठीक है, एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर देव देव जी इसको कंटिन्यू तीन चार बार आपको करा देंगे। हम प्रारंभ करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। आठ जब आएगा तो एक ऊपर हाथ गया और थोड़ा सा सीधा पैर आगे गया, यहां से एक कदम आगे गया आठ तक, फिर नौ दस ग्यारह बारह, बारह तक आपने प्रणाम किया भूमि को दोनों हाथों से टच करके, नौ दस नीचे बैठे, ग्यारह बारह और तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक, तो ये एक से लेके सिक्सटीन की काउंटिंग है, उस काउंटिंग में भूमि प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब धीरे-धीरे आपके सामने ये करते जाएंगे, दो तीन बार करेंगे आप लोग। प्रीति आप बोलेंगे, शुरू करते हैं। पहले चार काउंट में हाथों को ओपन करते हैं, एक दो तीन चार, इसका अर्थ है चारों दिशाएं, सभी दिशाएं। ठीक है, एक दो तीन चार, और वो ईश्वर, पांच छ सात आठ, आठ पर पैर निकाल के यहां से हाथ पलट कर, अभी चारों दिशाएं और वो ईश्वर। ठीक है, एक बार इतना फिर से करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ। अब इस राइट पैर पर जो आगे निकाला है आठ पर, उस पर धीरे धीरे बैठते जाना है, नौ दस ग्यारह बारह। यहाँ पर इसका अर्थ है मदर अर्थ यानी धरा को, धरती को भी प्रणाम, यानी चारों दिशाएं, ईश्वर और इस धरती को, नौ दस ग्यारह बारह। आप आगे बारह पर नमस्कार किया, यहां से एक फूल फ्लावर वाली शेप बनाकर नमस्कार करके यहाँ आ गए बारह, यहां से खड़े होना है, तेरह चौदह सोलह। एक बार फिर से करेंगे इतना, लेट्स ट्राई टुगेदर। सो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। One last time. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। ये जैसा के ये इसको मैं ये भी बताता हूँ कि हस्तकों को खोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं,
अगर आप देखेंगे तो फिर ऐसे झुकते हैं, फिर पूरा प्रणाम करते हैं। तो जैसे कल योग दिवस था, जैसे अंतरराष्ट्रीय दिवस योग का दिवस भी माना जाता है, और म्यूजिक डे भी था, योग डे भी था, तो लगभग कुछ चीजें ऐसी होती है जो कलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। योग भी एक क्रिया भी है, कला भी है। तो अगर आप इसे छोटा छोटे रूप में देखेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, उसका कुछ कुछ तरीका इसमें आता है। तो अगर आप प्रातः प्रारंभ सूर्य नमस्कार करते हैं योग में, तो बहुत अच्छी बात है। और नृत्य करते हुए ये प्रणाम भी करते हैं, तो भूमि को भी प्रणाम हो जाता है, ऊपर ईश्वर की तरफ करें तो सूर्य की तरफ भी इशारा होता है, क्योंकि सूर्य भी हमारे ईश्वर माने गए हैं, भगवान माने गए हैं। तो हम ये दिशाएं ये सारी ले लेते हैं सबके सामने, फिर ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सूर्य की तरफ है कि वो ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, फिर वहां से हम पूरी बॉडी को झुका देते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हैं नीचे झुक के, फिर उसके बाद ये प्रणाम करते हुए हम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो एक लघु रूप है जो थोड़ा सा योग को भी दर्शाता है, सूर्य नमस्कार के योग को। तत्पश्चात जब अपन यहाँ आ जाते हैं, तो हम अक्सर प्रारंभ करते हैं कि 1 से 16 मात्रा का जैसे प्रणाम किया, वैसे चार चार में डिवाइड करके पद संचालन, इट्स कॉल्ड, हम इसको अपनी नृत्य की भाषा में कहते हैं पद संचालन, या कहते हैं तत्काल। तत्काल का अर्थ होता है पैर से जो हम आघात करते हैं भूमि पे, ये जो आवाज बनी कि तत् बड़ा, तो और अगर उसमें से आवाज निकली और उसने प्रवेश किया वायुमंडल में और उसने अपनी ध्वनि प्रस्तुत की, तो वो हो गई आकार बना, उसका आवाज का आकार, इसलिए इसका नाम रखा तत्कार। तो जब वो पैर पड़ा और उसका साउंड बना, देन इट्स ये एक तरीके से एक वॉइस बन गई, तो उसने आकार ले लिया, तो इसका नाम इसलिए पढ़ना तत्कार। और वो आकार जो है साउंड का भी आकार होता है, फिगर का भी आकार होता है, मूवमेंट का भी आकार होता है, मुद्राएं जो बनाते हैं हम उन सब के भी आकार होते हैं। तो हम उसके बाद उसको प्रारंभ करते हैं तत्कार से, नृत्य के कथक की भाषा में इसे तत्कार करते हैं, या हम इंग्लिश में इसे फुटवर्क कह सकते हैं। तो इसको चार चार में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और वो चार चार में स्टेप बाय स्टेप स्पीड भी बढ़ती है। तो आप लोग पहले ये हाथ, दोनों हाथों को बांध लें, राइट ऊपर होगा, लेफ्ट पीछे होगा, देखिए ये मेरा राइट है, अगर मैं इधर करूँ तो राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आप शायद थोड़ा समझ पाएंगे कि राइट वाला हाथ ऊपर और लेफ्ट वाला नीचे करेंगे, और फिर उसके बाद सीधे खड़े होके वी शेप में पैर को रखते हुए तत्कार करेंगे। और ये धीरेन्द्र जी धीरे धीरे कर रहे हैं, दीदी आप बोलेंगे जी, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, चार काउंट करना, 1 2 3 4 स्टॉप। ये चार हो गए, ये जब चार हो गए तो इनको 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, हम ता थे तत भी बोल सकते हैं। देखो तत आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं इसका नाम ही तत्काल रखा है, तो तत पे आ गया, रुक गया, जहां ये तत पे रुका उस तत से वापिस वापसी कर लो, लेफ्ट टू राइट, फिर वापिस आ जाएगी। नेक्स्ट 1 2 3 4 तो ये दोनों तरफ हो गए, राइट से लेफ्ट पे और लेफ्ट से राइट आ गए, तो इसलिए ता थे थी तत। अब आ थे तत, तो ये
तत्काल जो है वो 16 मात्रा का जो हमारा तीन ताल बनता है वो तीन ताल का एक प्रारूप है। वो ताल उसे कहते हैं जो एक हर मात्रा को जो है उसका डिवीजन करके उसको एक साथ बांध दिया जाता है, उसको ताल कहते हैं। तो ताली बजाते हैं, है ना। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, पहले तो ये तत्काल समझ लें, फिर प्रीति आप इसे तीन ताल की ताली गिनती से भी समझाएं, ठीक है। आप ये तत्काल समझ लें, आप 1 2 3 4 ता रे रे ता आ 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 रे रे ता। तो ये डिवाइडेड 4 × 4 डिवाइडेड एंड इट्स 16 का पूरा टाइम साइकिल कंप्लीट करती है ये तत्काल। और अब इसकी ताली और इसकी जो मात्राएं हैं, क्योंकि ताली भी है मात्राएं, और इसमें तीन ताल पड़ती है और एक खाली होती है जिसमें ताली नहीं लगाते, हम हाथ को इशारे से खाली दिखा देते हैं, उसको हम खाली कहते हैं। प्रीति अपनी तरफ करो और सब, मैं चाहूंगा सब बच्चों को ये बैठ के बता दो, ताली निशानी बता दो। तीन ताल में, तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, 1, 5 और 13 पे ताली और 9 पे आप खाली दिखाते हैं। तो कैसे इसकी ताली होगी, ता थे थे तत आ थे तत। फिर से करेंगे, ता थे तत आ थे तत। अब नवी मात्रा पे खाली है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सम। एक बार हम इसे गिनती के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे खाली है, 9, 10, 11, 12, 13 पे वापस ताली, 13, 14, 15, 16 सम। अब अगर तत्कार के बोल से हम इसको करते हैं तो सेम ताली ऐसे ही चलेगी, तत्कार के बोल चलेंगे, ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत सम। एक बार और करते हैं गिनती के साथ फिर तत्कार के बोल के साथ। 1, 2, 3 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब तत्काल के बोल करेंगे,
थे थे तत् आ थे थे तत् ता थे थे तत् आ थे थे तत् सम कुछ नहीं। कुछ पूछना है कुछ नहीं 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 नहीं, 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 नहीं कुछ आवाज अच्छा वो अच्छा इसमें मुझे लगा नहीं अच्छा ठीक है आ जाओ अच्छा सो ठीक है आप एक काम आप ये करेंगे कि जैसे इसको गिनती में भी बता दिया तत्काल में भी आपको समझाया और इसको हम लोग फॉलो किसको करते हैं कि क्या पैटर्न है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं वो पैटर्न जो फॉलो करते हैं वो होते हैं पखावज या तबले पे बजने वाले बोल जिसे हम फॉलो करते हैं ये तो नृत्य की तरफ से था जिसको फॉलो करते हैं वो ताल के लिए वो ताल जो बनी होती है वो एक सर्कल होता है वो रोटेशन जैसे वो रोटेट होता है वो अगर 16 मात्रा का ये बांध दिया है तो ये रोटेट होता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा और उसको तबले पे या पखावज पे जो बजता है उसको कहते हैं ठेका। तो अभी जैसे आपने नृत्य के बोलों से सीख लिया अब ठेका जो है वो इसका शुरू होता है धा धिन धिन धा पहली 4 बीट से 4 मात्राएं हो गई तो उसमें हमने ताली मारी धा धिन धिन धा क्योंकि फिर वापस धा धिन धिन धा फिर आ गया तो इसलिए इसे आपने 2 बार कर लिया पहले किया धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा 8 मात्रा तक 8 बीट्स कंप्लीट हो गए इसका हाफ कंप्लीट हो गया अब यहां से हमने खाली दिखाई थी तो धा तीन तीन ता अब बोल दूसरे हो गए अब जो वर्ड्स आ रहे हैं वो धा तीन तीन ता वो धा तीन तीन ता पे चले गए 9, 10, 11, 12 कम बैक हो रहा ता धिन धिन धा ता तो ये ऐसे 16 मात्रा का इसे हम लोग कहते हैं ठेका कहते हैं जो तबले पे बजता है और पखावज के बोलों का भी होता है लेकिन ज्यादातर नृत्य के साथ जब बज रहा होता है तो तबला आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर कथक नृत्य के कार्यक्रम देखे तो उसमें संगत पे जो बैठते हैं वो प्रथम जो बैठे होते हैं वह हमेशा तबला वादक ही होते हैं तत्पश्चात गुरु जो साथ में बोलते हैं या उसको कहना चाहिए कंडक्ट करते हैं पूरे ऑर्केस्ट्रा को गुरु होते हैं फिर गायक फिर सारंगी तबला तबला गुरु गायक सारंगी सितार बांसुरी ऐसे करके वो एक पूरा समूह बन जाता है जो नृत्य में सहयोग करते हैं तो उनके सबके अपने अपने रोल हैं तो वो जो जो तंत्र वाद्य करते हैं वो है जो गायन शैली में जैसे सरगम और उसका बना हुआ कॉम्बिनेशन वो बजाते हैं उसको हम लहरा भी कहते हैं या नगमा भी कहते हैं और ये जो तबले पखावज है इनको घन वाद्य कहते हैं ये तबला ये खाल और शाही से बना होता है या आटा लगता है उससे जो मृदंग में भी जैसे देखा होगा कि एक तरफ वो शाही और खाल होती है स्किन होती है और दूसरी तरफ आटा यूज करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये ऐसा हमारे इंस्ट्रूमेंट भी इस तरीके से बने हुए हैं कभी मिट्टी के भी होते थे तो ये समय के साथ साथ इनमें ये ऐसे ऐसे चलता है तो अब हम ये चाहेंगे कि आप जो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और देवेंद्र आपके साथ तत्कार ही करेंगे तो तत्कार को हम एक स्पीड से
जैसे एक स्पीड होती है ना, फिर स्पीड बदलती है, जैसे हम चल देते हैं तो कभी गाड़ी हो या स्कूटी हो, बाइक हो, साइकिल हो, तो शुरू में स्लो होने के बाद वो स्पीड भी लेती है। और कथक में ये है कि ये बहुत हाई स्पीड तक फुटवर्क किया जाता है, जैसे तत्कार के वेरिएशंस है वो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। आज तो हम प्रारंभ अभी के लिए तत्कार कर रहे हैं, फिर आगे में बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक गुण दो गुण यानी फर्स्ट और सेकंड दो स्पीड में हम इसे बढ़ाए, ठीक है? आ जाओ और आप ध्यान रखना राइट और लेफ्ट पैर का, क्योंकि हम सबके तो पैर यहाँ से इसमें देख नहीं पा रहे हैं, ये अब जब आप ही करेंगे। ध्यान से ध्यान रखना कि सीधा पैर और उल्टा पैर जो है, ये सीधा पैर है, ये उल्टा पैर, ठीक है? आपका राइट इस साइड होगा, मेरा राइट इस साइड है। शुरू करते हैं, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव, हे हे बोलो, तुम तत्काल बोलना गिनते हो, ठीक है? अच्छा एक और चीज देख रहे होंगे, जैसे धीरेन्द्र जी कर रहे हैं तो हम लोग जब पैर मारते हैं तो इसमें आवाज आती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पैर को जब आप मारेंगे तो उठा के ऐसे मारना, मतलब ऐसे मत मारना कि इससे आवाज आ रही, इससे आवाज नहीं आएगी, इससे बंद और हो जाएगी आवाज। तो आगे की तरफ जैसे फुटबॉल को अपन किक मारते हैं ना ऐसे, वो एक तरीका है पैर को कैसे उठा के और उसको जमीन से टच किया जाए, कि जैसे अपन ताली भी बजाते हैं तो अगर यू टाइट करके मारेंगे तो ऐसी आवाज नहीं आएगी, आराम से मारे तो आवाज आ जाती है, तो उसमें एक साउंड क्रिएट हो जाता है। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, पैरों को टाइट मत करिए, पैरों को अकड़ाना मत, अपने स्ट्रक्चर को भी मत अकड़ाइएगा, बिल्कुल सीधे रहना है लेकिन रिलैक्स रहिए शोल्डर से और अपने हाथ से। ये सीधा खड़ा होने का मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है बिल्कुल सही है, और लुक योर फ्रंट अपने हाइट के अनुसार फ्रंट पे देख लीजिए। ये तत्काल के कुछ नियम मैंने आपको समझाए। अब इसके बाद हम चलते हैं तत्काल के साथ हस्तकों का प्रयोग, यानी अब मूवमेंट शुरू हो जाएगी विद योर फुटवर्क। फुटवर्क इज द सेम, धीरेन्द्र आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके और वो जो बेसिक चार मूवमेंट है वो उनको एक एक धीरे धीरे आराम से बताएंगे। तो तत्कार के साथ बॉडी के जो चार जाना है और चार लौट कर आना है उसी के साथ मूवमेंट को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करेंगे।
इसके लिए सबसे पहले एक हस्त मुद्रा है, अपने अंगूठे के ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर को यानी पहली उंगली को आप प्लेस करेंगे इस तरह से। एक गोला नहीं बनाना है, उसमें ध्यान मुद्रा नहीं बनाना है, साधारण तरीके से अंगूठे के ऊपर प्लेस करेंगे फिंगर को, और इस मुद्रा को कहते हैं अराल। और दोनों हाथों को इस तरह से प्लेस करके अपनी जगह पर ले आएंगे, ठीक है। यहां से आप पहला मूवमेंट करेंगे, अभी मैं काउंट के साथ बोल रहा हूं, पहला मूवमेंट यहां से ऊपर ले जाएंगे एक, पाम फेसिंग बैक, आपका जो पाम है वो पीछे की ओर फेस की हुई है, एक एक पर ऊपर गया, दो पर इसे आप सामने लेके आएंगे, कलाई को घुमाकर, दो फ्लिप नहीं करना है आपको, कलाई को घुमाकर एक, फिर दो पर कलाई को घुमाकर दो, फिर आपके पास तीन चार का समय है जिसमें आप वापस अपनी जगह पर इसे लाकर प्लेस कर देंगे, तीन और चार। फिर से एक बार कर रहा हूं, एक दो तीन चार। अब यही आपको लेफ्ट हैंड से करना है, जब लेफ्ट पैर जाता है एक दो तीन चार में, एक फेसिंग बैक फेसिंग फ्रंट, और यहां आकर उंगलियां खुल जाएंगी, अंगूठे से दूर हो जाएगी उंगली, और तीन और चार, ठीक है। इसको पैर के जो अभी आपने फुटवर्क सीखा, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, जो आपने फुटवर्क सीखा उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे इन मूवमेंट्स को, ठीक है। जैसे एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार। अभी दीदी बोल रहे हैं एक दो तीन चार, मैं बोलूंगा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सो आप पैर के साथ कंफ्यूज ना हो। वन टू थ्री गो, राइट लेफ्ट राइट चार लेफ्ट राइट लेफ्ट चार राइट लेफ्ट चार राइट लेफ्ट चार। अब इसको तत्कार के बोलों के साथ करेंगे, जो आपने ता थे तत् और आ थे तत् जो आपने सीखे थे उसके साथ। वन टू थ्री स्टार्ट। इसको अब हम कोशिश करते हैं डबल स्पीड में जाने की, जिसमें आपने पहले तत्कार किया था। वन टू थ्री स्टार्ट। आपको समझ में आया होगा ये पहला मूवमेंट। अब हम इसके साथ ही दूसरे मूवमेंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। दूसरा मूवमेंट है, आपको अपने राइट साइड में हाथ ले जाना है, ठीक है, राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लेके जाना है, पर यहां से पहले कलाई जाएगी और फिर पाम खुल जाएगी आपकी, पाम फेसिंग द सीलिंग, ऊपर की साइड पाम है, नीचे नहीं है, ठीक है। पहले जाना है ता, और उसके साथ आपको मूवमेंट को रजिस्टर भी करना है, यानी आपको देखना भी है उस मूवमेंट की साइड, उस मूवमेंट की दिशा में, ठीक है। ता, और फिर इसके बाद जो सेकंड है खेई पर, जैसे आपने पहले तो कुछ हाथ में है और फिर पलट दिया हाथ को, यानी आप पाम फेसिंग डाउन, एक और दो नीचे, फिर तीन चार पे वापस उसे खींचकर अपनी जगह लेकर आना है, यहां से जैसे किसी ने कलाई को पकड़ा और वापस आप ले आए, तीन
चार। एक बार फिर देखिए, एक दो तीन चार। सेम आपको लेफ्ट साइड से करना है, एक दो तीन चार। पैर वही सेम रहेंगे जो आपने अभी किए थे, ठीक है, पैर सेम रहेंगे। चलिए वन टू थ्री स्टार्ट। एक दो जाकर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वन टू थ्री स्टार्ट। ठीक है, आपको समझ में आए दो मूवमेंट। पहला था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला वाला ऊपर एक दो तीन चार और एक दो तीन चार। दूसरा मूवमेंट था एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द थर्ड मूवमेंट, ठीक है, तीसरे मूवमेंट की ओर जा रहे हैं। तीसरे मूवमेंट को इसका जो ये थर्ड मूवमेंट है, इस थर्ड मूवमेंट को हम लोग बेंडिंग शुरू करते हैं, यानी टर्निंग किया। अब इसमें आप बॉडी को बैक की तरफ ले जाके और बेंड करते हैं। ध्यान रखिए कि अपनी जो कथक में बेंडिंग है वो बेंडिंग हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है, पेट के हिस्से से बेंड करते हैं। हम लोग नीज को बेंड नहीं करते, घुटनों को बेंड नहीं करते, बॉडी को बेंड करेंगे जैसे ऐसे। ये अब ये हम बेंड हो गए, ये हम सीधे हैं, ये हम बेंड हो गए। तो इसमें हम बैक जाएंगे तो बॉडी को बेंड करना होगा। अब वो इशारा करता है कि हम जमीन को नीचे की तरफ झुक रहे हैं। और कहते हैं ना नृत्य में घूमना फिरना उठना बैठना बैंड होना यानी झुकना। तो कुछ नृत्य विधाएं ऐसी जिनमें पैरों से झुक के किया जाता है, जब उसको चॉप कहते हैं, अमंडी कहते हैं। और कुछ विधाएं में हम लोग ऐसे बॉडी को बैंड करते हैं और वो थोड़ी ऐसे आ जाती है। तो उसमें भी और ये ध्यान रखिए कि हमेशा जो हाथ है उसकी तरफ ही आपका इशारा, उसी की तरफ आपकी गर्दन और आपकी जो नजर है या आईज है वो कांटेक्ट में रहती है, हाथ के कांटेक्ट में रहती है एग्जैक्ट। तो अगर इधर के जैसा जब आपको पहले बताया थे देवेंद्र, तो अगर ऊपर हाथ गया तो आपका पूरा जो सोच विचार जो था वो ऊपर की तरफ दोनों हस्तकों की तरफ टर्न कर गए। जब आपने अपने दाएं दिशा में किया बराबर जितनी कंधे की लंबाई है उस पे गए तो आप बराबर गए। आप फर्स्ट टू मूवमेंट में ऊपर गए थे, सेकंड टू मूवमेंट में आप बराबर गए, थर्ड वाले मूवमेंट में आप लोग बेंड करेंगे, तत्कार वही रहेगी। और फोर्थ चौथा जो मूवमेंट आएगा उसमें हाथ से हम ऐसा ये घुमाया फिर ये घुमाया, तो हाथ को घुमाते हैं हम, तो हाथ सीधे हाथ दाएं बाएं जैसी भाषा में कहते हैं कि सीधे हाथ करो ऊपर, दाएं करो बाएं करो पीछे। अब इसको ये जो पीछे ऐसे किया वो थोड़ा बेंडिंग हो गया तो झुको फिर हाथ को घुमाओ। और ये सारी जो क्रिया है इस क्रिया के साथ तत्काल वैसे के वैसे इन्वॉल्व रहेगी, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, उल्टा पैर सीधा पैर, उल्टा पैर सीधा पैर। मैं तीसरे मूवमेंट की ओर चल रहा हूँ।
ठीक है, जो गुरुजी ने बताया बैंडिंग वाला, इस तरह से यहाँ जो बैंड करना है, ठीक है। मैं अभी इससे एक चेहरा करके कर रहा हूँ, एक बार पता लग जाए, राइट। ये है और ये लेफ्ट है। सो ता, ये जैसे आपने ये किया था, राइट, ता थे, पाम फेसिंग अप एंड देन डाउन। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, आपको फ्रंट खड़ा होना है, आपको इस तरह से करना है। मैं आपको बेंडिंग की वजह से इस साइड फेस करके बता रहा हूँ, ठीक है। ता थे और वापस थे तर, फिर साइड बेंड, आ थे तर, ठीक है। अब मैं इस साइड फेस करके करता हूँ पैर के साथ, वन टू, वन टू थ्री स्टार्ट। ता थे थे आ थे थे ता, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। सेम मूवमेंट को हम लोग डबल स्पीड में ट्राई करेंगे, ठीक है। वन टू थ्री स्टार्ट। एक दो तीन चार, 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 ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया है। तो ये आपके तीन, ये तीसरा सेट हो गया मूवमेंट का। चौथा गुरुजी ने सेट बताया जो गोलाई है, गोलाई है यानी आपके सेंटर ऑफ बॉडी से वो मूवमेंट बाहर जाएगा और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ गया सर्कल, राइट साइड आया और ये सर्कल पूरा कर किया आपने रिस्ट से, हाथ से नहीं, हाथ पीछे नहीं जाएगा, हाथ सिर्फ यहां तक आएगा, उसके बाद रिस्ट उस सर्कल को कंप्लीट करेगी। So, यहां गया हाथ, यहां तक आया और रिस्ट उसे कंप्लीट करके सेंटर तक ले आई। सेम आपको लेफ्ट से करना है, एक दो तीन चार, ठीक है। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है दोनों हाथों से, ठीक है। चलिए पैर के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं इसको भी। वन टू थ्री स्टार्ट। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन। सेम मूवमेंट को हम डबल स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। ता थे तर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ता थे थे तर, आ थे थे तर, ता थे थे तर, आ थे थे तर, ता थे थे तर, आ थे थे तर, ये बेसिकली बहुत बेसिक मूवमेंट है हम लोग कथक में। जो भी प्रारंभ करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, उनको ये तत्कार के साथ ये हस्तकों का प्रयोग भी कराते हैं। तो ये हस्तक एक तरीके से कैसे जाते हैं, कैसे चलते हैं, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले वो स्थायी रूप से जैसे विलंबित जय में इन चारों हस्तकों को करें, फिर उसके बाद इसे दुगुन में करें और चारों को एक साथ करें एक के बाद एक, जैसे किया जाता है। तो अब हम चारों हस्तक गुरु जी के कहने के अनुसार, चारों, पहला, दूसरा,
बैक वाला तीसरा और गोलाई वाला चौथा, चारों हस्तकों को अब मिलाकर करेंगे, ठीक है, पैर के साथ इनकॉर्पोरेट करके, वन टू, वन टू थ्री स्टार्ट। जैसा जो देखा, जैसा मैं प्रयास कर रहा था कि आपको मैं समझाता जाऊं, ये कुछ लिखा आ रहा है क्या, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि कथक का बेसिक, कथक के जो हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। हमने, जैसे मैंने भी अगर बचपन में शुरू किया तो यही प्रोसेस था शुरू करने का, कि भाई पहले ये सीखा, फिर उसके बाद ये सीखा, फिर हम लोगों को ऐसे गुरुजी ने सिखाया, तो एक एक करके हम लोग कदम दर कदम बढ़ते चले गए। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से, मैं यहाँ बैठा बोल रहा हूँ, जिन जिन लोगों को भी पानी पीना है, गर्मी का मौसम है, कुछ 5 मिनट का गैप लेना है, आप लोग ले लीजिए, और जो कंटिन्यू सुन रहे हैं या मेरे, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो 5 मिनट के लिए वंशिका का, वंशिका क्या, हाँ जी, हाँ जी, सारे आप, तो अगर कोई बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे पानी आने नहीं दी, बच्चे का कोई प्रश्न है आप पूछिए, पूछिए जरूर। अनु, आपका कोई प्रश्न है, आप, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव मेंशनड हियर, कैन आस्क, यू कैन प्लीज आस्क। अनुप्रिया, यू हैव बीन आस्क्ड टू अनम्यूट योरसेल्फ, आई हैव गिवन द परमिशन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, सर, मैं ये कह रही थी कि जो हमारा पाँव था, जो कथक के साथ मतलब पाँव है ना, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्या बता सकते हैं? ठीक कह रहे हो आप, बच्चा प्रश्न
ठीक है, सही है। कंफ्यूजिंग ये हो रही थी, देखो एक तो ये कि सीधा पैर ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजिंग इसलिए हो रही है जो मैंने शुरू में बताया था ना कि हम आपके ऑपोजिट साइड में कैमरे के अनुसार, तो अगर हमारा सीधा पांव पड़ता है तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा, तो इसलिए। और अगर हम इधर मुंह करके करेंगे तो आप हमारा फेस नहीं बैक देखेंगे, तो फिर आपको हमारी दूसरी मूवमेंट दिखेगी नहीं, क्योंकि वो बैक हो जाएगा। तो अच्छा एक चीज और बताते हैं अनु आपको कि राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये दो दोनों डब दो दो बार पड़ गए, 1 2 3 4 रिपीट हो गए, ठीक है, राइट लेफ्ट रिपीट हो गए। फिर वापसी में क्या हुआ, लेफ्ट राइट रिपीट हो गया। तो बस ये आपको पैर के साथ ध्यान रखना है कि सीधा पैर शुरू करता है और फिर उसके बाद उल्टे पैर से वापस शुरू होना है आपको, चार हो जाने के बाद। आप चाहें तो 1 2 3 4 उसको 5 गिन सकते हैं, 16 तक ऐसा भी गिन सकते हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 1 2 3 4, तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। दोनों में से जिस तरीके से आपको लगे कि आपके लिए सुविधा हो रही है और आप समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। बस ये क्योंकि आपको खुद को ही ध्यान रखना है कि ये सीधा पैर, क्योंकि अभी अभी इसमें बहुत बहुत कुछ अभी आगे बढ़ेगा, स्पीड भी और बढ़ जाएगी, तो अगर वो सही रहा ट्रैक पे रहा, और ज्यादा मुश्किल होना इसलिए भी नहीं है, जैसे मैं कभी कई बार ऐसे हंसी मजाक में भी कुछ चीजें कर देते हैं तो मैं बताता हूँ, अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, पैर तो दो ही है हाथ भी दो ही है, तीन होते कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो कभी हम बच्चों को मजाक में भी ऐसे बोल देते हैं, दो ही तो है इधर और इधर, एक हाथ इधर है एक हाथ उधर है, तो इससे एक मूवमेंट किया एक मूवमेंट उससे किया आपने, अब कोऑर्डिनेशन। अब क्लासिकल या शास्त्रीयता की बात जब आ जाती है उसका ये मतलब है कि उसका सिंक्रोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन होता है विथ लय विथ योर फुटवर्क, ये कोऑर्डिनेशन आपस में बनते हैं, तो जाके वो जब आप देखते हैं तो आपको प्रभावित करता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा डांस हो रहा है, या क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और वो कहते हैं ना ताल में भी नहीं होगा बेताला भी हो जाएगा, अजीब सा भी हो जाएगा, तो जैसे गाते हैं तो उसका स्वर भी साधना के अनुसार जब तानपुरे में या हारमोनियम से मिलना चाहिए, अन्यथा वो क्या होगा कि बेसुरा हो जाता है, तो कहते हैं अरे ये गाना नहीं, ये गाना बेसुरा सा हो रहा है, मत बोलिए, ठीक है। और किसी को चेक कर लो किसी को, क्योंकि anybody else has any question regarding this technical aspect of Kathak or anything what you have recently learned regarding that? किसी का भी कोई प्रश्न हो जो अभी तक सीखा है उसके? Yes, yes, please. हाँ, जैसे हम अगर हम left hand करेंगे तो left ही पाँव उठेगा ना हमारा? बिल्कुल सही बात, आपका उल्टा ही उल्टा हाथ करेंगे तो उल्टा पैर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ओके सर, थैंक यू। आप लोगों को जिसको भी कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू ऑल कैन रेज योर हैंड्स एंड वी विल अनम्यूट यू। ऑल्सो आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करके रखिए, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी यहाँ से, तो प्लीज कैमरा ऑन करिए। नमस्कार सर, मेरे नाम मनस्विनी है। नमस्कार सर, मैं बर्तन बोलिए बोलिए। मुझे ये डाउट था कि भरतनाट्यम में हम पूरा हाफ सिटिंग में बैठते हैं, कथक में भी बैठना पड़ेगा या वो नीस बेंड करना पड़ेगा या नहीं सर? नहीं, कथक में नीस बेंड नहीं करते। ठीक है सर।
धन्यवाद सर। ठीक है ना, क्योंकि हाँ ठीक है, वो एक हर एक जैसे ओडिसी का अगर आपने देखा है तो आपने जब भरतनाट्यम देखा होगा या कभी सीखा होगा तो आपको उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ओडिसी का भी अपना एक तरीका है, कथकली में भी और कथक में भी, तो सब में किसी में सबके अलग अलग जेस्टर्स होते हैं जिसमें पहली मुद्रा बना के खड़े होते हैं। तो अपन पैर सीधे करके, सीधे मतलब जैसे हम खड़े हैं वी शेप का ध्यान रखना होता है, वी शेप में रखते हैं और झुकते हैं तो हम कमर से झुकते हैं, ठीक है। हम जब बेंड करते हैं तो हम कमर से बेंड करते हैं, वो मैं भी बता रहा था जब थर्ड मूवमेंट आ रहा था ना तो उसमें मैंने बताया था ना इसमें झुकना है आपको पीछे की तरफ मूवमेंट करते हुए, जब बैक मूवमेंट ले जाएंगे तब झुकना है। और जैसे फोर्थ मूवमेंट किया था तो उसमें हाथ घुमाना है, पहले राइट फिर लेफ्ट। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जो आपको बताने वाले हैं उसमें हम आपको सिखाएंगे चक्कर लेना, के चक्कर लेना यानी पीरोइड्स भी कह सकते हैं या राउंड भी कह सकते हैं। तो आप अपनी जगह पे रहते हुए राउंड कैसे लगाते हैं, जैसे आपने कभी कई लोगों ने सीखा, जैसा मैंने बताया सीखा होगा या देखा होगा नृत्य करते हुए, तो उसमें ये देखते हैं आप लोग देखते हैं कि कथक में कितने सारे चक्कर लेते हैं, मतलब पांच बोल या पांच स्टेप या पांच पैर लगा के चक्कर लेना या तीन पैर लगा के चक्कर लेना, दो पैर से चक्कर लेना, एक पैर से भी चक्कर लेना, ये चैलेंजिंग होता है और ये मेस्मराइज करता है। कला के साथ साथ ये देखने वाले को भी बहुत आकर्षित करता है और वो सोचते हैं अरे बाबा देखो कितने चक्कर ले लिए, या हमारे यहाँ कथक में कहते हैं नौ चक्कर का तोड़ा, हम लोग छोटे थे तो सीखते थे नौ चक्कर का तोड़ा, 27 चक्कर का तोड़ा, 51 चक्कर का तोड़ा, 51 राउंड, सोचिए। तो वो टेक्निक भी, अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं वो टेक्निक ये है कि चक्कर कैसे लेते हैं और कैसे घूमना है, अपनी जगह पे रह के घूमना है और उसको बैलेंस करना, क्योंकि जो चीज आप चैलेंजिंग करते हैं उसमें बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरियोग्राफ करें या उसको आप सिंक्रोनाइज करें, ये सारी चीजें के साथ साथ उसका बैलेंस भी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत तेज फुटवर्क करेंगे तब आपको टेक्निक क्या होगी, जब आप बहुत तेज मूवमेंट करते हैं तब क्या टेक्निक है, आप चक्कर लेते हैं तब भी किस टेक्निक से, ये होता है कि आप आराम से चक्कर लेते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं, अन्यथा जरा सा घूमो तो खुद को चक्कर आ जाता है, लेना तो दूर। तो वो टेक्निक आपको बताएंगे, तो वो एक दो तीन चार पांच बोल के चक्कर या देख ऐसे वाले होते हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने पानी वानी पी लिया, सब तैयार है, रेस्ट है, वो कर लिया है, तो हम अब आपको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ये नीचे कर दिया है, ठीक है, वी शेप में पैर रहेंगे जैसा मैंने बताया, मैं भी हाथ से नहीं आपको सिर्फ पैर दिखा रहा हूँ कि एक दो तीन चार पांच, पांच गिनती में आप सीधे रहें, सामने देखें और पहले अपना राइट वाला उठाएं, एक दो तीन चार पांच, और आके वहीं सीधे जहां शुरू हुए थे वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। एक बार और कर रहा हूं, एक दो तीन चार पांच, ध्यान रखना नीचे भी मत देखना, ऊपर भी मत देखना, दाएं बाएं भी मत देखना, अपने ही लेवल पे रहना। ये फर्स्ट बिगनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्कर लेते वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो आपको करना एक दो तीन चार पांच, और राइट से शुरू होगा, राइट पे खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक दो तीन चार पांच। ये थोड़ा सा और मैं पीछे जाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएंगे, एक दो तीन
संख्या 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो गिनती हो गई। अब बोले टिक था दिक दिक थे, ठीक है प्रीति आप बोलो। अब मैं और मैं चाहूंगा कि सारे खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं और अभी हाथ का मूवमेंट नहीं करेंगे। मैं तो क्योंकि आपको पैर दिखाने इसलिए कुर्ता मैंने पकड़ा था। आप अभी हाथ को ऐसे बांधे रखें और आप घूमें और तीन बार घूम के हम रुकेंगे, ठीक है। 1, 2 रेडी स्टार्ट। दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे। हो गया, ठीक है। एक बार और करें। 1, 2, 3 स्टार्ट। दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे, दिग धा दिग दिग थे। ये ठीक है, ये बोल समझ गए, पैर समझ गए। आप हाथ को अपने शोल्डर के बराबर लेके शुरू करना है और ये यहाँ रहना है, ठीक है। देर देर पास तक बता दो आप। इसमें जैसे तिग धा दिग दिग थे में पहला तिग यहाँ पड़ता है ना, तिग धा दिग दिग थे। जब पहला ये यहाँ आता है तो हाथ आपको सामने खोलना है, दोनों हाथ इस तरह से खोलने हैं, ठीक है। ये हाथ सामने और ये हाथ लेफ्ट साइड में, ठीक है, सामने से खोलना है पहले। और जब तिग धा दिग दिग थे पांच काउंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पांच काउंट्स में हाथों को तिग धा दिग दिग थे वापस अपनी जगह पर ले आना है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 तिग धा दिग दिग थे, लेकिन ये करना है घूमते हुए, ठीक है। यानी तिग धा दिग दिग थे, वंस अगेन तिग धा दिग दिग थे, ठीक है। सामने खुलेगा राइट, पीछे की साइड खुलेगा लेफ्ट, और इसको कलाई से खींचकर अपनी रिस्ट से उसे पुल बैक एंड प्लेस इट एट द सेम प्लेस वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जहां से इसका ओरिजिन हुआ था वहीं पर ले आना वापस। चलिए 1, 2, 3 स्टार्ट। दिग धा दिग दिग थे, चलिए दिग धा दिग दिग थे, 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 दिग धा दिग दिग थे। ठीक है, इसको धीरे धीरे इसकी स्पीड एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसको थोड़ी सी बड़ी हुई स्पीड में, इसकी डबल स्पीड अभी चल रही थी, तिग धा दिग दिग थे, थोड़ी बढ़कर तिग धा दिग दिग थे, तिग धा दिग दिग थे, ठीक है। थोड़ी सी बढ़ के करते हैं, कोशिश करते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट। तिग धा दिग दिग थे, दिग 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 धा दिग दिग थे। ठीक है, तो अब एक काम ऐसा करें देवेंद्र आप, कि पहले तीक धा दीक दीक थे, तीक धा दीक दीक थे, तीक धा दीक दीक थे, तो इधर भी याद रखा एक सर्कल 16 मात्रा का लें, ठीक है। अब इसको दूसरे पैटर्न पे लेके चलते हैं, स्लो में किया, फिर आपने एक सर्कल
जो हमने सबसे पहले बताया था वो यहाँ आता है काउंट करेंगे एक वो जो थे आता वो एक बन जाएगा फिर सोलह प्रैक्टिस कराते हैं एक स्लो ले में तीन चक्कर लिए फिर सोलह माता का काउंट किया फिर उसको डबल कर दो फिर सोलह का फिर स्लो सोलह का भी आ गया तो डबल वाले को दो बार किया एक बार बता दो क्या आप कहते हाँ तो पहले सबसे स्लो में चलेंगे ये ठीक है ना तो ये जो ये क्या होता है ये जो जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग ये एक्सरसाइज मतलब इसको तो इसको हम क्या करते हैं कि वो क्योंकि ताल तो फिक्स है तो हमें उस फिक्स टाइमिंग को पूरा करना होता है तो वो एक से लेकर सोलह माता तक का सर्कल हम पूरा कर रहे हैं जिसमें हम ऐसा भी कर रहे हैं कि वो सर्कल भी पूरा हो जाए आपको प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं तो इसलिए वो हमें उस सर्कल का भी ध्यान रखना होता है कि मात्रा जो है वो सोलह से ना तो कम हो सकती है ना बढ़ सकती है सोलह मात्रा डिसाइड की तो सोलह ही होती आओ एक सिंगल जाएगा दो बार डबल में डबल में तत्काल देखिए हम क्या कर रहे हैं अब डबल टेक धा देख दिख थे टेक धा देख दिख थे टेक धा देख दिख ता थे थे त आ और जो बाद में आएगा वो ऐसे करके रुक जाएंगे आप ठीक है ताकि लास्ट का समझे यस हम जिसे समझे सो गुरुजी ने जो लास्ट में ये बोला है जब खत्म करेंगे जब उसे फिनिश करेंगे तो हम इस तरह से दिखाएंगे कंप्लीट करेंगे तो हम सारा पूरा साइकिल कंप्लीट करके पूरा वापस पहली मात्रा पे आते हैं और जब भी पहली मात्रा पे वापस आते हैं उसको कहते हैं सम तो उसको हम दिखाते हैं किसी सर्टेन मूवमेंट से दिखाते हैं सम को ऐसे किसी भी म्यूजिकल मीटर यानी म्यूजिकल मीटर मतलब ताल जो गुरुजी ने आपको समझाया था साइकिल जो पूरी थी चक्र
उसकी जो पहली मात्रा कहलाती है उसे कहते हैं सम। और हम लोग पूरी साइकिल कंप्लीट करके पहली मात्रा पर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो पहली मात्रा कहलाती है सम, तो वही हम फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, इसे एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और आप समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली करना आपको, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, 1 2 1 2 3 स्टार्ट। एक बार और ठीक है। पंस लास्ट टाइम इसको सेम पैटर्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। अब एक और हम लोग घूमते, जैसे ये हाथ, इसको कहते हैं हाथ, ध्यान रखिए ये बंद हाथ है और ये खुला हाथ है, ठीक है। और ये होती मुट्ठी, तो दोनों हाथ से होता है कि दोनों को बंद कर दिए। जैसे हम कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा खोल दिया, तो ये बंद हाथ को चीज सिखाते हैं, उसे कहते हैं हाथ को घुमाना, यानी कलाई घुमाना, हाथ घुमाना, हाथ तो घूम रहा है। अब कलाई, ये जो हस्त, ये पूरा तो हस्तक है और ये बाजू है, ये कोनी है, ये कलाई है। तो यहाँ से लेके जो पाम वाला हिस्सा है, इसे हम कथक नृत्य में या वैसे भी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कलाई। कई बार ऐसे कहते हैं ना, आज कलाई में दर्द हो रहा है, तो वो ये एरिया कलाई हो जाती है। अब इस एरिया को भी एक्सरसाइज करनी है और इसको भी यूटिलाइज करना है कि कलाई को कैसे घुमाते हैं। जैसे कभी आप क्रिकेट देख रहे थे, अगर आपने देखा होगा, तो वो जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो उसकी तारीफ कर रहा है कि बहुत बेहतरीन कलाई का प्रयोग किया। तो वो क्या करते हैं कि कलाई को ऐसा घुमाते हैं कि वो बॉल उनके उससे छूट के जाती है। तो ये कमर उनके हाथ से कलाई के घुमाने पे जाता है, वो बॉल जाके अपना काम करती है। तो वैसे ही हमारे कथक में भी कलाई
का बड़ा प्रयोग होता है, कलाई की बहुत खूबसूरती बारीकियां हैं। तब आपको हम ये सिखाएंगे कि तिकधा तिक थे में भी इसका प्रयोग होता है और त्राम में भी, मतलब आगे आगे बोल बढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। ये दोनों हाथ आप ऐसे कर लें, हार्ड मत करिए, नॉर्मल रखिए, ना तो ढीला करना है ना हाथ। और हम जैसे कहते हैं ना लोटस लोटस, तो अगर लोटस तो ऐसा एक ही जगह बन जाएगा, ऐसे खिलेगा खिल जाएगा, लेकिन अब हम कलाई को घुमा रहे हैं और ये बीच में एक कली का शेप ले लेते हैं, कलाई कली बन जाती है और जब उसको फैला दे तो कमल बन जाती है, कलाई कली कमल। तो ये ऐसे घुमाना है आपको, है ना। और ये कोशिश करिए धीरे धीरे कोई एक्सरसाइज कराओ, मतलब अभी घूमना नहीं, खाली एक्सरसाइज करेंगे कलाई आपस में। कई बार ऐसे कर देते ना, ऐसे घुमा के जोर से कर देते जैसे रस्सी पड़ गई हाथ में। तो ये आपको दो है, दोनों हाथ है, लेफ्ट के ऊपर राइट प्लेस है, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट प्लेस है। अब आप समझ लीजिए आपको सर्कल दोनों हाथों से ड्रॉ करना है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज दिस इज अ पेंसिल, पेंसिल इन योर हैंड, तो राइट हैंड राइट साइड से सर्कल ड्रॉ करता हुआ रहा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट से सर्कल ड्रॉ करता हुआ रहा है। ये हो गया सर्कल ड्रॉ, ठीक है। एक बार फिर से, यहां से गया तो राइट ऑपोजिट जा रहा है, मीन्स राइट अपने इस साइड जा रहा है और लेफ्ट इस साइड आ रहा है। दोनों ऑपोजिट सर्कल एक ड्रॉ कर रहे हैं विद द पेंसिल लाइक दिस, ठीक है। मैं इसे काउंट में एक बांध देता हूं इसको, उसको फिर करेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार, फिर से एक दो तीन चार, फिंगर साथ में रखिएगा, ठीक है। एक दो तीन चार, अगेन एक दो तीन चार, इसे उल्टा मत कर दीजिएगा, हमेशा इसी साइड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सर्कल सिर्फ कलाई से ड्रॉ करना है, पूरे हाथ से नहीं ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। All the parts, all the other parts are still. Still means just supporting to go up and down. ठीक है, ये just support करने के लिए है। ये खुद नहीं घूमेंगी ऐसे, only हाथ घूमेगी कलाई। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को देख भी लेता हूँ साथ में, मैं काउंट करता हूँ आप लोग कीजिए। वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार, एक दो। कि मैंने उंगली जो बोला था, उंगली वो पेंसिल के जैसे, वो सिर्फ एक शेप बनाने के लिए बोला था, आप पूरे हाथ खोल के करेंगे। दिस थंब इज इनसाइड, फिंगर्स आर ओपन। एक दो, हाथ का अंगूठा खुला नहीं रहेगा और उंगलियां खुली नहीं रहेंगी, सारे बंद रहेंगे, ठीक है। अब आपको पूरे हाथ के साथ करना है। दूसरी बात, आप लोग है ना ऐसे मत कीजिएगा, ये हाथ को ऐसे चम्मच की जैसे, एक स्पून की जैसे मत बना लीजिएगा, ठीक है। खुली रखने फिंगर्स, एक तो फिर ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे लाइन को, ठीक है। दो तीन चार, लेट मी चेक, वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो। ऑलमोस्ट सब सही है। आपको ये याद रखना है राइट हैंड इस साइड जाएगा, मतलब अगर यहां से देखोगे तो राइट हैंड इस साइड जाएगा और लेफ्ट उसके ऑपोजिट आएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। चलिए आओ, अब इनको पास लाओ, कुछ जेस्चर्स समझा देते हैं। ये सारी बस बस, हाँ हाँ ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग जो है
कुछ चीजें अपन देखते हैं और उनको देख के भी कुछ सीखते हैं। होता क्या है कि अगर एक साधारण जो लाइफ में अपन कोई चीजों को देख लेते हैं तो देख लेते हैं या कह देते हैं बड़ा अच्छा। अब जैसे मैं अगर यहां से ये दिख रहे हैं तो ऊपर आप देखेंगे तो नटराज हैं, शिव हैं, और शिव को नृत्य के देवता भी माना गया है, भगवान शिव को। तो उनको नटराज अपन कहते हैं कि भगवान शिव है, ठीक है। और अगर कोई नर्तक इसने देखे तो वो नर्तक इन्हें नटराज तो संबोधन करेंगे ही, लेकिन उस मुद्रा पे और उनके हाव भाव चेहरे जो उनकी मूर्ति या कोई चित्र जो भी बनता है उस पर भी उनका ध्यान जाएगा। और अगर सोचें कि एक नॉन डांसर या नॉन म्यूजिकल भी लोग वो भी जब इन्हें देखेंगे तो वो इन्हें शिव ही कहेंगे, शिव सोचेंगे, नृत्य से या भाव से जोड़ेंगे नहीं। अपन देखेंगे तो अपन उनके नृत्य से उनके भाव से उनको जोड़ेंगे कि इनका ये नृत्य है या ऐसा भाव ये शिव जी का दिखाई दे रहा है, नटराज ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो वो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से कहते हैं कि जेस्चर्स बनते हैं, उनका नृत्य पूरा बनता है मुद्राओं से, गायन से, भावों से, वो अलग, लेकिन जेस्चर्स भी बनते हैं। अब एक चीज बताते हैं आपको कि सारी जो हमारे दो हाथ हैं इनकी मुद्राओं से या इनके तालमेल से कोई भी चीज हम दिखाते हैं या उसको दर्शा देते हैं कि भाई इसका ये है। तो जैसे मैंने एक तो हमने ऐसे इशारा किया, मैंने कहा ऊपर की तरफ देखा तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वाकई मेरी इधर की तरफ देखूं तो वहां सूर्य सूर्य है। तो मैंने एक तो इशारे से किया कि सूर्य इधर दिख रहे हैं और एक सूरज सूर्य को दिखाया, एक सूरज को देखा। जब मैंने ऐसे किया तो मैंने सूरज को देखा। देखिए कैसे देखते हैं कैसे दिखाते हैं, ये डिफरेंस बता रहा हूं आपको। तो मैंने ऐसे किया तो मैंने सूरज को देखा या सूर्य को देखा, आई सॉ सन, आई सॉ सन एंड आई शो सन में फर्क हो जाएगा कि मैंने देखा वो तो मैंने देखा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि सूरज, तो सूरज कैसे दिखाएंगे। तो ये दोनों हाथ की कला है, जैसे दिख में अभी वो एक दो तीन चार में बता रहे थे। अब ये अगर दोनों ऐसे करें और उंगलियों को धीरे धीरे खोलते चले जाएं तो ये आप देखेंगे तो पूरा राउंड सन और उसकी रेंज दिखाई देगी, ये सूरज है, समझ गए। तो ये हम कभी जब नृत्य भाव करते हैं तो हम ये कहते हैं धीरे धीरे सूरज उगा और उसका ये उगता गया और ये ऊपर चढ़ता गया, मतलब वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं सूरज और उनका प्रकाश फैल रहा है। तो वो भाव को अभिव्यक्त करने के तरीके हैं ये, ताकि वो उसमें रस की उत्पत्ति होती है। तो एक जेस्चर्स मैंने बताया आपको, ये सूरज है, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे तो सूरज दिखेगा। और चांद को जैसे शिव जी के माथे पे चंद्रमा है, सुशोभित है, तो अब चंद्रमा जो शिव जी के माथे पे है तो वो अर्धचंद्र है, आधा चंद्र। तो अगर दो उंगलियों को ऐसे करें तो ये चंद्रमा बन जाएगा, राइट कील और थंब पहली उंगली, और ये अगर हम ऐसे करके सर के पास ले आते हैं तो ये अर्धचंद्र बन जाएगा, तो ऐसे लगेगा चांद जैसा बनेगा। या हम कभी ऐसे करके भी ड्रॉ कर देते हैं हाथ से तो उसको दिखाते हैं चंद्रमा, आधा चंद ऐसे दिखा देते हैं। तो ये बना, ये अपन ने ऐसे किया तो ये मैंने बताया था अभी फूल बन गया, ठीक है। अब एक और चीज होती है, वो है शिव जी नटराज की बात
बात करें तो यहाँ अर्धचंद्र शिव जी के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं पहला जो इंस्ट्रूमेंट बना इंस्ट्रूमेंट शंख नाद है और ये वाद्य है वो है डमरू। अब डमरू को अपन दिखाएं तो डमरू को अपन क्या करेंगे, ये दोनों हाथ की दो की दोनों बीच की उंगलियां और अंगूठा इसके साथ करें और यूं करें तो अब आप यूं हिलाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे तो डमरू ही बचता है। अगर और आपने देखा भी होगा बच्चों कि डमरू जब तो शिव जी के हाथ में भी डमरू है। अब कलाई के प्रयोग से उसके अंदर ऐसे लगता है कि वाकई डमरू है नहीं लेकिन महसूस ऐसे हो जाएगा कि डमरू बज रहा है डिगी 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 डुग 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 डिगी डिगी क्योंकि ये ऐसे कलाई घूमेगी और उसको ऐसे लगेगा कि डमरू बज रहा है। एक डमरू का जेस्चर शिव जी की उसमें दिखाया अपन ने, ठीक है। और एक और कभी हम दिखाते हैं गंगा, शिव जी के जटा से निकली गंगा, तो वो अपन क्या करते हैं कि ये ऐसे दोनों मुष्टियां पकड़ के सर के ऊपर लेते हैं। कभी जो साधु संतों को भी देखा होगा और घर में माताओं माँ जो भी आपसे बड़ी होती है जिनके बड़े केश है तो वो देखा होगा वो अलग ही पीछे चोटी ऐसे करती है लेकिन साधु संत ऐसे मानते हैं। तो शिव जी के वो हम जब दिखाते हैं जटा तो ऐसे एक राउंड बना के और सीधे हाथ को ऐसे ऊपर से ऐसे हिलाते हुए लाते हैं तो उससे लगता है कि वो गंगा की धारा बह रही है उनके सर से नीचे और ये एक फ्लो बन जाता है। तो ये क्या है, ये सारे शिव के ही जेस्चर बता रहा हूं मैं भी अभी राम कृष्ण सीता राधा या आगे आते जाएंगे। तो ये डांस में ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो शुरू में किसी ना किसी देवी देवता की या किसी हम अपने आराध्य देवता या हमारे गुरु किन इनको किसी ना किसी को हम नमन करते हैं या उनकी आराधना या उनकी वंदना करते हैं। जैसे कई आप लोग कई स्कूल में कई स्कूल जाते भी होंगे कई गए भी होंगे कई बार आप सरस्वती वंदना भी करते हैं गणेश वंदना भी गाते हैं राम भजन गाते हैं शिव के अभी जब तो वो अलग अलग जब जन्माष्टमी आती है तो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लीला या उनकी भजन या उनके श्लोक या सूरदास जी के लिखे पद या तुलसीदास जी की लिखी चौपाइयां रामायण में आ जाती। तो ये इन सब चीजों के माध्यम से एक पूरा नृत्य तैयार होता है एक पूरा नृत्य का समाहित होके वो सम और वो सम्मिलित हो जाते हैं वाद्य यंत्र गायन और वो साहित्य इन सबको मिला के एक नर्तक नृत्य करता है और वो उसमें भाव की उत्पत्ति करके और भाव और भंगिमा ये जो हमारे शरीर से बनती है भंगिमा और ये मुद्रा है ये ध्यान रखिए। तो एक हम लोग चाहेंगे आपको बताएं क्योंकि अक्सर आप लोगों में से करते होंगे मुझे नहीं पता हम पढ़ते भी हैं और वो नृत्य में कैसे आ सकता है ये देखिए श्लोक है जो संस्कृत में होता है उसे श्लोक कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये आप लोग सबको मालूम है और सब लोग जानते हैं कि कई जगह लिखा होता है और इवन कई कोई इनविटेशन मैरिज वगैरह के भी अगर घर में कार्ड आता है अब तो कार्ड कम आते हैं अब तो मोबाइल पे इनविटेशन आ जाते हैं तो लेकिन पहले तो अक्सर ऐसा होता है कि पूरा श्लोक लिखा होता है गणेश जी की आकृति बनी होती है तो ये श्लोक शुरू में लिखा होता है। अब इस श्लोक को पढ़ते हैं श्लोक को सुनते हैं इस श्लोक को कैसे करते हैं हम पहला काम ये कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो श्लोक शुरू कर रहे हैं हम गणेश जी का श्लोक है वक्रतुंड मुझे लगता है कि सबको याद है नहीं याद है तो एक बार और बोल देता हूं मैं वक्र
तुंड महाकाय सूर्य कोटि समय प्रभ निर्विघ्न कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कई बार ऐसे कहते हैं शुभ कार्येषु सर्वदा, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन सर्व कार्येषु सर्वदा है। तो प्रीति थोड़ा गाएंगी, अब आ जाओ इसको थोड़ा पीछे करो और इसको आलाप से शुरू करो, बढ़ाओ सबसे पहले एक छोटा सा आलाप। आलाप यानी किसी भी बंदिश के आरंभ में उसको एक छोटा सा एक माहौल देना होता है, उसके लिए हम आलाप का इस्तेमाल करेंगे। तो उस आलाप में सबसे पहले तो अपने आप जैसे मुद्रा में खड़े हैं, सबसे पहले तो भगवान को जैसे आपको ये मूवमेंट सिखाया था उसी मूवमेंट के अनुसार आपको उस आलाप में भगवान को सबसे पहले प्रणाम करना है। ठीक है, ठीक है, प्रणाम करना है जो मुद्रा सिखाई थी, इस तरह से जाना और प्रणाम करके आना। ठीक है, उस आलाप में यानी उसके लिए एक बिगिनिंग के लिए। ठीक है, चलिए आलाप सुन लीजिए पहले आलाप के साथ। एक बार फिर से ठीक है। अच्छा, यानी एक चीज है, एक छोटा सा अभिनय भी है कि जिस समय आप हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने उस समय आपकी भावना क्या होती है ना। यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ टू द गॉड, मीन्स आप अपने मन को भगवान को कर रहे हैं, तो वो भावना रखेंगे और आंखें बंद करके ईश्वर को प्रार्थना करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसके आगे वक्र तुंड। वक्र मीन्स कर्व्ड, कर्व्ड यानी टेढ़ी मेढ़ी, तुंड मीन्स सूंड, कर्व्ड ट्रंक। ठीक है, वक्र यानी कर्व ट्रंक, टेढ़ी मेढ़ी सूंड है। तो पहले तो यहां से हम हाथी के कान से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा हाथ इसमें पूरा खुला नहीं और पूरा बंद नहीं, थोड़ा ढीला हाथ छोड़कर जैसे हाथी के कान होते हैं, पहले तो कान दिखाएंगे हाथी के इस तरह से। ठीक है, कान के पास में हाथ रखेंगे, ऐसे भी दिखाएंगे, ऐसे भी दिखाएंगे, थोड़ा सा सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे ऐसे, और हाथी का शरीर भारी होता है, हाथी का शरीर भारी होता है तो आना और जाना। ठीक है, भारी शरीर दिखना चाहिए। चलिए, और फिर वहां से पहले ये कान लेकर और एक हाथ कान पे रखेंगे, दूसरे हाथ से आप सूंड दिखाएंगे। सूंड कैसे आती है हाथी की, गणेश जी की, इस तरह से ये होता है रास्ता, लेकिन फिंगर से नहीं दिखाएंगे, आप यूं करके दिखाएंगे। ये मुद्रा बनेगी, एक छोटी सी फिस्ट बनेगी, मुट्ठी बनेगी, और लास्ट फिंगर से खुली छोड़ दीजिएगा, जो एक दंत गणेश जी का एक दंत है उसका सिंबल है। ठीक है, वो इस तरह से आएगी सूंड और यहाँ आकर रुक जाएगी। ये देखिए पोजिशन ऑफ द हैंड, उसे टाइट वाइट कुछ नहीं करना, उसे रिलैक्स रखिएगा। ठीक है, चलिए तो वक्र तुंड। ठीक है, वक्र तुंड आपने ये उठाया, सूंड बनाई और पैर उठाया उसके साथ साथ और प्लेस कर दिया आगे। याद रखिएगा ये जो पैर की प्लेसिंग है ये हमेशा ऐसे इस साइड फेस मत कीजिएगा पैर का, जहां मेरे ट्रैक की ये दिख रही है ये नहीं दिखाई देनी चाहिए, पैर का फेस होना चाहिए टू द राइट साइड, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से
वक्रतुंड अलग से इसके बाद महाकाय महाकाय मींस ह्यूज बॉडी बहुत बड़ी काया बहुत बड़ा शरीर उनका शरीर कैसा है गणेश जी का बहुत विशाल शरीर है इतना बड़ा उनका टमी है इस तरह का शरीर है उनका बहुत विशाल का शरीर है तो उनको विशाल का शरीर उनके पेट से ही दिखाते हैं ठीक है ठीक है ये आशीष की मुद्रा में पहले तो ये टमी दिखाया होल्ड किया टमी को फिर आशीष की मुद्रा आशीर्वाद की मुद्रा ठीक है एक बार फिर से वक्रतुंड से वक्रतुंड महाकाय ठीक है वक्रतुंड महाकाय अलाप से ठीक है इसके बाद के शब्द है सूर्य कोटि सम प्रभा यानी जिनकी आभा यानी जिनकी शाइन इज लाइक मिलियंस ऑफ सन करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी आभा है जिनका सुंदरता है जिनकी चमक है करोड़ों सूर्य के समान सूर्य के समान यानी सूर्य तो आप लेफ्ट को ऐसे रखिएगा राइट को उसके ऑपोजिट प्लेस कीजिएगा और जैसे सूर्य देखो चमक रहा है वैसी वाली मुद्रा सूर्य की बनानी है इस तरह से अपने राइट साइड में आसमान की साइड हाथ ले जाएंगे यानी अपने राइट साइड में फिस्ट को धीरे धीरे जैसे सूर्य उगता है थोड़ा थोड़ा सूर्य और उसकी चमक कोटि कोटि आप ये वाली मुद्रा बनाएंगे पहली इंडेक्स फिंगर को थंब के ऊपर प्लेस करके किरणें दिखाएंगे सूर्य की इस तरह से किरणें लेकिन किरणों को भी देखना है सूर्य पहले तो सूर्य उधर ले जाना है और ऐसे इस तरह से यहां रहकर नहीं दिखा सकते आपको देखना पड़ेगा वो देखो वो सूर्य है तो आपकी बॉडी का भी एक एक्सप्रेशन जाएगा सूर्य फिर वहां से किरणें आएंगी सूर्य की कोटि ठीक है यहां लेकिन अभी आप किरणों को नहीं देख रहे आप सूर्य की ओर ही देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंखों पे चमक पड़ती है जब किरणें आती है तो ऐसे होती है ना आंखें थोड़ा सा अरे ये क्या हो रहा है तो आपको वो अभिनय से दिखाना होगा ठीक है चलिए सूर्य कोटि एक बार और सूर्य कोटि सूर्य कोटि अच्छा है ना एक फिर समाप्रभा यानी उसके समान आभा है उनकी आभा यानी उनकी पूरी आभा उनका चेहरा यानी दोनों हाथ पीछे से जाएंगे और उनकी आभा सुंदरता मतलब रूप चेहरा मोहरा होकर इस तरह से क्रॉस करते हुए हाथ आएगा चेहरे के पास से और लेफ्ट पे यहाँ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड प्लेस कर देंगे और अगेन थंब के साथ इंडेक्स फिंगर लगाकर राइट हैंड में लेफ्ट हैंड के ऊपर प्लेस कर देंगे इस तरह से और ये प्लेस हो जाएगा और लेफ्ट पैर उठा देंगे ये प्लेस उठाया पहले तो इसको राइट साइड टर्न किया और पैर को पॉइंट किया ये याद रखिएगा ऐसे मत छोड़ दीजिए लेजी ठीक है उठाना है कमर के लेवल तक यानी 90 डिग्री फ्रॉम योर बॉडी दिस इज 90 डिग्री फ्रॉम योर बॉडी एंड टिल्टेड टू द 45 डिग्री टू द राइट साइड सो योर लेफ्ट लेफ्ट लेग
is tilted 45 degree to your right side. Or toe is pointed up. Do not keep the toe like this. Pointed toe. ठीक है? सूर्य कोटि पहला सूर्य कोटि पर किरण समप्रभा पर उनकी आभा और ये मुद्रा आ जाएगी यानी लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड एंड देन लेफ्ट लेग अप करते सूर्य कोटि समप्रभा सूर्य कोटि महाकाय से चलते हैं महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा एक बार जस्ट रिपीट फ्रॉम द बिगिनिंग ठीक है फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन एंड देन दीदी विल सिंग पहले नमस्कार देन हाथी के कान एंड देन ट्रंक वक्रतुंड ठीक है महाकाय अगेन ह्यूज बॉडी विद द ब्लेसिंग पोज ओके सूर्य कोटि सम प्रभा नाउ विद द म्यूजिक Next is Nirvignam Kurume Deva. Please complete means mere sare kaam, all the things, whatever I wish for, complete all those without obstacles. किसी भी विघ्न के बिना मेरे सारे कार्य संपन्न करें ठीक है किसी भी विघ्न विघ्न प्रॉब्लम्स उसके बिना विघ्न के बिना निर्विघ्नम कुरु देव मतलब सब आप सबसे प्रथम हाँ यानी और मतलब कुरु में देव मतलब गणेश जी के बारे में गुरु जी बोल रहे हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है सर्वप्रथम पूज्य देवता है तो उन्हीं वही सारे कार्य को संपन्न करते हैं सभी देवताओं प्रथम पूज्य तो निर्विघ्नम बिना विघ्न के तो ये सारे विघ्न है ये सारी परेशानियां है ना विघ्न इनको खत्म करो यहां से हटाओ यहां से भी विघ्न काटो विघ्न काटना लेफ्ट हैंड से मैं दिखाऊंगा और राइट हैंड से काटना दिखाऊंगा काटो तो ये सारे विघ्न निर आपको लेफ्ट हैंड को उठाकर सारी दुनिया को ऐसे दिखाने वाला जो होता है ना लेफ्ट हैंड से घूम जाना है लेफ्ट शोल्डर है मेरा मैं लेफ्ट शोल्डर से घूम रहा हूँ रिमेंबर आप राइट से मत घूम जाइएगा ठीक है यहां से निर या से रिमूव विघ रिमूव माय ऑब्स्टिकल पैर से खत्म कीजिए प्रॉब्लम्स को निकाल लिया हटाइए सो दैट इज कैसे एक बार फिर से ठीक है निर्विघ्नम एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूं फिर दीदी एक बार और गाएगी वापस से दिखाइए ऑल द डायरेक्शंस हटाओ रिमूव क्या ऑब्स्टिकल्स ठीक है एक बार फिर से ठीक है अब कुरुमे देवा आप सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं ठीक है तो ये स्वास्तिक मुद्रा है स्वास्तिक मुद्रा जो हमारे कहीं भी घरों में बनती है
जो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस सिंबल कहा जाता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, विच इज द मोस्ट ऑस्पिशियस सिंबल, तो गणेश जी को उसी सिंबल के साथ दिखाते हैं हम लोग। आप तो प्रथम पूज्य हैं, ठीक है, यहां से आपकी कमर से आपकी वेस्ट से दोनों हाथ अंदर जाएंगे, ठीक है। रिमेंबर योर शोल्डर आर नॉट गोइंग इन, शोल्डर आर देयर। यहां से आपके दोनों कमर को काटते हुए हाथ और स्वास्तिक मुद्रा में आ जाएंगे, ठीक है, ये स्वास्तिक मुद्रा में, ठीक है। कुरु में देवा, इसको कुरु में, आप प्रथम पूज्य हैं, आप देवता है, मतलब देवता वाला ऑरा आपको क्रिएट करना है, देवता वाली फीलिंग क्रिएट करनी है। यहां आप डेटी हैं, नॉट डेविटी, ठीक है, आप डेटी हैं। ठीक है, एक बार निर्विघ्नम से, ठीक है, वही सेम आपको पैर उठाना है, लेफ्ट पैर, विद द सेम वे दैट यू डिड लास्ट टाइम इन समप्रभा फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए, सर्वदा आप प्रथम पूज्य हैं जो मेरे सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। तब थोड़ा सर्व कार्येषु सर्वदा, ईश्वर को आप प्रसन्न कैसे करते हैं, यज्ञ से, यज्ञ से आहुति देते हैं, उससे आप ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो मेरे सर्व कार्येषु, आप एक हवन कुंड, जैसे एक स्क्वायर शेप में हवन कुंड होता है, पहले आप उसे दिखाएंगे इस तरह से, आपने ये पहला मूवमेंट किया था वैसे ही, थोड़ा सा उसको इतना ब्रॉड नहीं करेंगे, स्क्वायर शेप दिखाया और उसमें अग्नि क्या है, सीधे हाथ है, खुली हुई फिंगर्स है, और आपको यू हैव टू स्टार्ट शेकिंग दीज फिंगर्स लाइक फायर, ठीक है, ठीक है। ये अग्निकुंड दिखाया, ठीक है, ये दिखाया अग्निकुंड, स्क्वायर, फ्रंट लाइन, साइड लाइंस, बैक लाइंस। अब डू नॉट डू दिस लाइक दिस, सो दिस वुड नॉट लुक लाइक अ डांस, यू हैव टू शो द अग्निकुंड, ठीक है, दिस फायर and then samidha, samidha what you offer to the god, samagri jise aap kehte hain, samidha liya haath se, aise bhi nahi karna hai kyunki wo aap actual to nahi kar rahe ho, aur aise bhi nahi karna hai, ek usko acche se lekar samidha ko offer karna hai, theek hai। ठीक है, सर्व कार्येषु सर्वदा वन सेकेंड, ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेगा, हाँ चलिए, सर्वदा जब आप ऑफर करते हैं तो बॉडी से एक एक्सप्रेशन आता है, पैर आगे लाइएगा राइट पैर और ऑफर कीजिए, ठीक है, once again, सर्वकार्येषु सर्वदा, ठीक है। और गणेश किसके देवता है, बुद्धि के देवता है, ठीक है, बुद्धि विनायक, गुरुजी बताते हैं बुद्धि विनायक है, बुद्धि के देवता है ना, तो बुद्धि के, हाँ हाँ
तो दूसरा तीन बार करेंगे हम सर्व कार्येषु सर्वदा। दूसरी बार में क्या करेंगे, बुद्धि यानी अध्ययन पढ़ाई लिखाई, बुद्धि उसके देवता है। तो आप इस हाथ से किताब खोलेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड डाउन राइट हैंड अप बुक खोलेंगे। हम ऐसे वाले भी खोल सकते हैं और ऐसे भी खोल सकते हैं, है ना, रजिस्टर वाली, पुराने रजिस्टर, पुराने स्टाइल की जो बुक्स होती थी पुराने समय में। ये खोली बुक, लिखना शुरू किया, ये दिखाना, सॉरी इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, चलिए खोला बुक और किसके देवता है, बुद्धि के, बुद्धि ऐसे दिखाता ना जैसे अचानक दिमाग खुल गया, सारे पेज खुल गए, याद आ गया, याद आ गया सब सब। एग्जाम दे रहे हैं तो उस वक्त तो आंसर याद आ गया जी। तो ये भी सर्व कार्य जो सर्वदा हो गए, सर्व कार्य। सेकेंड इज सर्वकारेषु सर्वदा, ठीक है, दूसरा वाला कर दे रहा हूं, फिर तीसरा वाला सर्वकारेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। थर्ड सर्व, दो हो गए सर्व कार्येषु, पहला था यज्ञ कुंड में फायर और फायर और ऑफरिंग, सेकंड सर्व कार्येषु था किताब में लिखना कॉपी में और बुद्धि का खुलना। अब तीसरा सर्व कार्येषु सर्वदा है, आपको लेफ्ट हैंड यहां से आप वो इंडेक्स फिंगर टच कर रही है थंब को, लेफ्ट साइड में और लेफ्ट लेग के साथ में थोड़ा सा आगे जाना है, हल्का सा इस साइड डायगोनल, फ्रंट डायगोनल, ठीक है, नॉट फ्रंट नॉट साइड, इन बिटवीन, ठीक है, फ्रंट और साइड के बीच में जो डायगोनल है वहां खोलना है हाथ, वहां खोलना है और ये हाथ ऊपर जाएगा जैसे पहला वाला मूवमेंट किया था ना, था एक दो वाला, उस तरह से जाएगा ऊपर, ठीक है, और पहले ये खोलते हैं लेफ्ट लेग के साथ आगे बढ़ाकर, वन टू, अब राइट लेग उसको क्रॉस करेगा, टू और नमस्ते, जिसे ऑफर करते हैं ना ऐसे, हाथ नीचे मत जाइएगा, हाथ वही रखिएगा, हल्का सा बॉडी से बस प्रणाम, जस्ट बाव, बाव डाउन टू द गॉड, ठीक है, आपको बाव करना है भगवान को। सो सर्व कार्येषु सर्वदा, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मुद्राएं सेट स्क्वायर से बनी हुई है, जैसे सेट स्क्वायर आप यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है, ये थोड़ा चेहरे से आगे है, चेहरे के सर के ऊपर नहीं है, ठीक है, ऊपर नहीं है, थोड़ा सर से आगे है, दिस इज अ लिटिल अहेड ऑफ योर हेड एंड ये यहां पर, ठीक है, एक बार फिर से करते हैं सर्व कार्येषु सर्वदा, याद रखिएगा लेफ्ट राइट क्रॉस एंड ऑफर, फिर यहां से लास्ट में एक अलाप आएगा, अलाप में दोनों हाथों के साथ में घूम जाइएगा ऐसे ही जैसे हाथ पोजीशन में थे, और जैसे हमने स्टार्ट किया था नमस्कार करके वैसे ही नमस्कार के साथ में अंत कर देंगे, ठीक है, तीनों सर्व कार्येषु सर्वदा एक साथ करने का प्रयास करते हैं, पहला यज्ञ कुंड, दूसरा किताब में लिखना और बुद्धि में सब याद आ जाना, प्रज्ञा आ जाना बुद्धि में, तीसरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के साथ में बाव करना और अंत में घूम कर आके प्रणाम करना। चलिए तीनों सर्व कार्येषु करते हैं, सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व
एक अंत में अला, ठीक है। एक बार फिर से तीनों सर्वकार्य जो सर्वदा थोड़ा सो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा अब आपको मैं एक बार पूरा शुरू से मैं वर्ड्स से रिपीट कर देता हूं, देन दीदी गाएगी और फिर आपका ये कंप्लीट होगा, ठीक है। पहला था शुरुआत से अलाप में प्रणाम, देन हाथी के कान दिखा रहे थे और उसकी कर्व्ड ट्रंक दिखानी थी, वक्रतुंड, देन ठीक है। एक बार फिर से नमस्कार, फिर उसके बाद हाथी के कान दिखाने थे, वक्र तुंड मतलब सूंड दिखाने थे, तुंड ये मुद्रा बताई थी मैंने आपको, लास्ट फिंगर ओपन एंड मेक अ सॉफ्ट फिस्ट, डोंट मेक टाइट फिस्ट, सॉफ्ट फिस्ट, ठीक है, सॉफ्ट फिस्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये यहाँ, ठीक है। और जैसे सूंड आती है ना यूगर के आती है, यूगर के सूंड आती है यूगर के, वैसे ही तो एकदम से नहीं बनाते हुए नहीं लाना है फिस्ट, पर धीरे 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 फिस्ट को प्लेस करना है, ठीक है। डिटेलिंग भी करता जा रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, वक्र और पैर क्रॉस और हाथ आएगा, दोनों याद रखिएगा, तुंड और तुंड गणेश जी है ना, वीक गॉड नहीं है कोई, ह्यूज हैवी हैवी गॉड, तो बॉडी से दिखना चाहिए, ठीक है। तुंड अब महाकाय था, जिसके काया जिसका शरीर जिसका पेट बहुत बड़ा है, ठीक है। महा काया जो आशीर्वाद देते हैं, महाकाया है जिसकी, ठीक है, जो ईश्वर को दिखाते हैं ना आशीष स्वरूप में, काया, ठीक है। इतना हुआ। अब था सूर्य कोटि सम प्रभा, सूर्य दिखाने को बोला था मैंने, जाइए एंड ऊपर जाकर पृष्ठ खोल दीजिए, सूर्य सूर्य दिखाना था और कोटि इसको सूर्य सूर्य है ना, सूर्य और कोटि कोटि सूर्य की किरणें है कोटि, ठीक है। यहाँ आके रुक गया हाथ, ठीक है, वहां से किरणें दिखाते हुए ऐसे किरणें आ रही हैं सूर्य की, ठीक है। समप्रभा यानी उनका सुंदरता आभा, उनका उनके चमक, तो मैंने ऐसे दिखाया था पीछे से हाथ लाते हुए चेहरे के चारों तरफ से ले जाकर, मतलब हम क्रॉस करेंगे ना, और लेफ्ट पैर उठ जाएगा और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड प्लेस हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट पैर ऊपर उठाना। सम प्रभा, इसके बाद था निर्विघ्नम कुरुमे देवा, निर्विघ्नम यानी ये सारे सारे विघ्नों को मिटा दो, यानी निर्विघ्नम कुरुमे देवा में स्वास्तिक बनाना था, जिसमें आपको अपनी वेस्ट की दोनों साइड से हाथों को ले जाना था और ये स्वास्तिक मुद्रा बनानी थी। इस मुद्रा का नाम स्वास्तिक है, ठीक है, हर मुद्रा का एक नाम होता है, ठीक है, ये संयुक्त हस्त मुद्रा है, इसका नाम है स्वास्तिक, ठीक है। और वापस से पैर उठाना था कुरुमे देवा। अब तीन सर्व कार्येषु सर्वदा थे, पहला है यज्ञ कुंड, सर्व कार्येषु सर्वदा, ठीक है। सेकंड था सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वदा, सेकंड था किताब लेकर ना, किताब खोलकर लिखना था उसमें, यानी प्रज्ञा ज्ञान,
किताब से मतलब आप किताब या पेन नहीं दिखा रहे हैं, आप ज्ञान दिखा रहे हैं। सर्वकार्येषु सर्वदा, उस ज्ञान से आपकी प्रज्ञा खुली, आप उस बुद्धि के देवता हैं, ठीक है। सर्वदा थर्ड था लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग सर्व और राइट हैंड उठाकर कार्येषु सर्वदा अपने आप को नमन में डाल देना, ठीक है। सर्व कार्येषु और उनको बाव करना सर्वदा, एंड देन दोनों हाथों से यू हैव टू टेक अराउंड सेम डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से सर्व कार्येषु और ये अंत में अलाप के साथ में प्रणाम करके इसका अंत। अब एक दो बारी हम लोग गाने के साथ करेंगे, ठीक है। So you will be able to understand more, you will be able to remember more, you will be able to get the idea of song with the movements, ठीक है। जितना स्लोस song again? Yes, I think you want. आप लोग चाहते हैं थोड़ा सा एक बार, let's do it once again, ठीक है? चलिए। कुछ कहते हैं अपन, ठीक है ना। आज ये आ जाए, ठंडा हो गया यहाँ मौसम थोड़ा।
गले खराब हो तो ये आज हम लोगों ने तत्कार का पैटर्न कुछ बनाया और कुछ अपन लोगों ने बेसिक जैसा मैंने कहा ना कि कुछ बेसिक तत्कार नमस्कार भूमि प्रणाम जैसे जिसको हम कहते हैं वह एक और हाथों के तो तत्कार के साथ कॉम्बिनेशन बनता है फुटवर्क विथ हैंड जेस्टर्स बनते हैं वो और अपन ने कुछ हमने क्या क्या किया था घूमना ठीक है ना बच्चों चक्कर लेना कैसे घूमते हैं कैसे आप बैलेंस करते हैं कैसे स्पीड अप करते हैं और थोड़ी और जानकारी आपको क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी हम लोग चीज़ें आप लोगों को सिखाई है ये जो मैंने हम बता रहे हैं देखो एक चीज़ सब बच्चों को बताते हैं कि जब जो आप सीख रहे हैं और वाकई अगर आप चाहते हैं कि आप करते रहें करना है तो इसका अभ्यास भी आपको करना होगा कार्यशाला जो हमारी ये स्पीक मैके से हम कर रहे हैं जैसे ये जिस वक्त भी समापन होता है उसके बाद भी आप स्वयं अपने से फिर इसकी साधना करेंगे ये हमारे साथ तो कर रहे हैं लेकिन अपने से भी उसको सोचेंगे उसको अगर अभ्यास करेंगे तो अच्छा होगा तो क्या होगा कि हम और आगे थोड़ा और जल्दी और चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतना और जितना विद्या वो चीज़ है जो कभी भी अवसर मिले तो उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए विद्या किसी भी रूप में मिल रही है वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है और ये जो समय भी मिला है ये भी अमूल्य है अपने आप को ठीक रखते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ये जो समय मिला है ये व्यर्थ ना जाए ऐसा ना जाए कि लॉकडाउन जो हुआ वो हमारे दिमाग को लॉकडाउन लगा हमारे शरीर और दिमाग को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए हमें ये अवसर मिला है और इस अवसर को हम कुछ सीखने में कुछ समझने में और कुछ करने में लगाएं तो इससे बहुत लाभान्वित होंगे आप लोग तो थोड़ा सा मैं ये भी चाह रहा था कि आप लोगों को क्योंकि अभी थोड़ा समय है थोड़ी सी कथक कई लोग को शायद मालूम होगा कईयों को नहीं पता कि कथक है क्या कथक क्या है ऐसा भी आप लोग देख रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि ऐसे डांस कर लिया एक डांस एक इंग्लिश का जो शब्द है वो डांस है और हम लोगों का जो तरीका है या हम लोगों के यहाँ जो विद्या को नाम दिए गए वो नृत्य दिया गया अब थोड़ा सा क्योंकि जिनको हिंदी नहीं आती वो नृत्य को डांस ही कहते हैं जिनको हिंदी नहीं आती वो तत्कार को स्टेप कहते हैं तो अब वो जब वो नाम ही ऐसा पड़ता है तो कभी सोचने में भी अंतर आ जाता है क्योंकि वो सोच फिर स्टेप जैसी और डांस जैसी हो जाती है अब डांस अनेक प्रकार के डांस है लेकिन जो नृत्य है वो सात प्रकार के हैं साइलेंट उस सात और आठ हमारे देश में शास्त्रीय नृत्य है उनमें से कुछ आपको पता ही होगा जिनमें ये चल रही है तीन ताल चपताल ये चीज़ें मैंने बताई लेकिन मैं आपको एक हिस्ट्री भी बता रहा हूँ जैसे भरतनाट्यम कथकली मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी ओडिसी मणिपुरी छाओ क्षत्रिय ये ऐसे करके आठ नौ विधाएं हैं जो शास्त्रीय नृत्य कहलाई जाती है और ये जो कथक है ये उत्तर भारत का है हर भारत का जो क्षेत्र है उसके अनुसार वहाँ के शास्त्रीय नृत्य बने अगर नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें और हम साउथ तक जाएंगे तो अलग अलग एरिया में वो नृत्य
आपको पढ़ने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। और ये स्पीक मैके एक ऐसा स्टेज है या एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा अपने आप से क्या कहना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें देखने को सुनने को मिलती है। इससे आपके लिए कितना बड़ा लाभ है ये, कि आप वाकई जब सोचेंगे तो वाकई मिलेगा कि हाँ देखो कितनी सारी विधाएं एट ए टाइम देखने को सीखने को मिलती है। जब भी स्पीक में कह के अपने अपने जैसे विरासत होता है, लेक डैम होता है, तो इन और ये भी जैसे भी ये चल रहा है, तो ये सीखना सिखाना समझना समझाना ये बहुत बड़ी एक समय की आपको फायदे देने वाली चीज है जो भविष्य तक आपके साथ ऐसे जुड़ी रहेगी जैसे आप बचपन की पढ़ाई को कभी नहीं भूलते हैं। बेशक आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, डॉक्टरेट हो जाएंगे, लर्नेट हो जाएंगे, साइंटिस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो आपके बचपन के जो या आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक का जो समय है वो समय आप ताज जिंदगी याद करेंगे। और उस समय में खासकर कोई अगर आर्ट सीखा है तो वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा हमसफर है। जब भी कोई मानसिक तनाव कुछ भी हो, आप किसी आर्ट को, किसी पेंटिंग को बना लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, कोई नृत्य देख लीजिए, खुद कर लीजिए, खुद गा लीजिए, आप देखिए उससे कितना कितना लाभ आपको मिलेगा। तो ये जो कथक के बारे में बात कर रहा था, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस भी कह सकते हैं इसको। और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन इन एरियो में इसका विकास और बहुत इसको इसका प्रभाव पड़ा, इन खासकर इन एरियो में पड़ा। जब ये अपने क्या कहना चाहिए बढ़ रहा था और ये कलाएं विकास चल रही थी, तब हमारे गुरुजन मतलब मेरे दादा गुरु ये सब लोग कहा करते थे, तब राजा महाराजाओं के देखरेख में ये कला विकसित हो रही थी और ये मंदिरों में ही होता था। पहले ये नृत्य विधा मंदिरों में होती थी, मंदिरों में ईश्वर को जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही डिवोशनल उस समय जब होता था, पूजा पाठ का होता था, तो कथानाक कथाएं ये सब के साथ साथ नृत्य भी करते थे, तो इसका नाम पड़ा कथा कहे सो कथिक कहलाए। तो वो धीरे 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 उसने एक नृत्य का रूप ले लिया और एक आर्ट फॉर्म बन गया था जिसके माध्यम से जो भी मैसेज देना होता था या जिस जिन देवी देवताओं के आराध्य की बात करते थे या उनको नमन करते थे, वो दर्शकों के सामने कलाकार लोग, नर्तक लोग, गायक सभी वहां उपस्थित होके, और ये विधा इस तरीके से हुई और इसका विकास भी ऐसे हुआ। और समय जैसा जैसा भारत में समय परिवर्तन हुआ था, फिर बीच में मुगल्स आ गए थे, तो जब वो आए तो कथक नृत्य पे थोड़ा उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि मुगलों ने जब शासन किया तो उनको भी कथक ने बहुत प्रभावित किया था, तो वह इस नृत्य को लेके बड़े उत्साहित थे और उनके दिमाग में उनके साथ जो आर्ट ट्रेवल कर रहा था वो इसके साथ थोड़ा सा सम्मिलित हुआ। उसके सम्मिलित होने से कथक की दो ब्रांचें बन गई, दो शाखाएं बन गई, पहले कथक था फिर दो शाखाएं बन गई, वो दो शाखाएं दो घराने बन गए, दो घराने बन गए, एक घराना बना लखनऊ शैली में, एक घराना बना जयपुर शैली में, फिर बनारस भी आ गया, बनारस घराना भी जुड़ता चला गया, फिर उसके बाद
एक और प्रभावित होके उन्होंने भी इसे कहना शुरू किया, वो हुआ रायगढ़, जो मत अब छत्तीसगढ़ में चला गया रायगढ़ घराना। तो इस तरीके से इसके शाखाएं भी फैली फिर, और नेचुरली विकास होता है तो वो आगे बढ़ता ही है, तो वो आगे बढ़ा और इस नृत्य रूप शैली ने वर्ल्ड के ऊपर पूरे संसार में अपना प्रभाव छोड़ा। और हमारी कलाएं तो दुनिया में सब जगह ही बहुत जानी पहचानी जाती है। अब तो हमें अच्छा भी लगता है कि विदेशों में जब जाते हैं तो वो हमारे कला के बारे में बहुत सजग और बहुत जानकारी रखते हैं। वाकई पहले से लगता था कि विदेशियों के सामने नाच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको बहुत जानकारी है, वो इसमें बड़ी रुचि रखते हैं। हमारी संस्कृत में और हमारी संस्कृति में इतनी रुचि रखते हैं कि मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छा भी लगता है कभी कभी कि हमारे यहाँ पे इस चीज को लेके इतना जो जागृत होना चाहिए था वो जागृति उन लोगों में इतनी ज्यादा उत्साहित करती है उन लोगों को, तो हमारे यहाँ उस चीज का विकास हो रहा है। लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत बड़ा योगदान देना है, जो अब नई जनरेशन आ रही है उस नई जनरेशन को हमारी धरोहर है, ये सोच के इसका ज्ञान अर्जित करें, खुद करें चाहे ना करें, लेकिन आपको पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन आपको इसकी नॉलेज है। वैसे ही ये चीज ऐसे होती है जैसे हमें अगर राह चलते हुए किसी कानून का ज्ञान है तो हमें कोई ऐसे नहीं कह सकता कि आपने गलत किया या सही किया, क्योंकि हमें वो कानून मालूम है। वैसे हमारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये इसकी जर्नी है, ये इस कला का और हमारी संस्कृति का एक स्वरूप है, जो छोटे से रूप में मैंने आप सब लोगों को बताया। और अब मैं चाहूंगा कि आप इसका अभ्यास भी करते रहें, और इस अभ्यास करने के साथ साथ कुछ भी आपको अभी तक जो सीखा है अब वो चीज आप समझना चाहते हैं, उसके बारे में आप कोई प्रश्न है तो वो हम चाहेंगे कि आप जरूर पूछें। और मैं कहूंगा रिक्वेस्ट मतलब इनसे प्रीति से और धीरेन्द्र से कि वो दो तीन बार लगातार आप चाहेंगे तो उसका अभ्यास अभी करा दें, फिर उसके बाद जैसा आगे बढ़ेगा बताते हैं। लेकिन आज के लिए हमने जो सीखा है वही आपको याद करना है, अब वही चीजें आप अभ्यास भी करेंगे, और कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए आप। पूनम, आई हैव अनम्यूटेड यू, यू कैन आस्क। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो कलाई वाला है ना वो थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, थोड़ा कंफ्यूज। हाँ हाँ, ये जो कलाई है ना इसको आप उल्टा, क्योंकि हम लोगों के साथ ये दिक्कत है, हम ऑपोजिट बैठे हैं, तो आप एक चीज देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इधर की तरफ करूँ तो आपको ये पता लगेगा ये मेरा, नहीं नहीं इधर भी नहीं दिखेगा वो तो लगेगा, ये सीधा है और ये कलाई का ये मूवमेंट है ऐसे, और इसको जब आप एक जगह घुमाएं और इसको धीरे धीरे घुमा के इतना घुमा के छोड़ दें, फिर इतना घुमा के छोड़ दें, तो ये कलाई का ये मूवमेंट है। एक तो ये दाएं बाएं घूमता है और एक पूरा गोल घूमता है, तो इसे हम कहते हैं कलाई को घुमाना, और ये सिर्फ कलाई दाएं बाएं हो रही है पर घूम नहीं रही है, घूमेगी तो एक दूसरे के साथ लिपट के आएगी। जैसे अभी कितना सुंदर है कि ऐसे घूमती है तो एक फूल भी बना के चली जाती है, और जैसे शाखाएं एक दूसरे से लिपटी रहती है, अगर आप घर में कोई भी प्लांट लगाते हैं कोई शाखा या कोई आजकल तो मनी प्लांट कह दीजिए, कोई बेल कह दीजिए,
वो ऐसे बढ़ती है एक दूसरे से लिपट के। ठीक है, ठीक घुमा रहे आप। अगर किसी और को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। श्रुति यू प्लीज कॉल आउट, आई विल अनम्यूट देम। ओके, एनीबॉडी इज देयर यू जस्ट कॉल आउट देम, आई विल अनम्यूट। ठीक है, तो धीरेन्द्र हम वो सारी चीजों को एक बार हम एक दो बार रिपीट कर लेते हैं, है ना, तो वो आपका अभ्यास हो जाएगा और ताजा भी रहेगा कि आपको याद है और आप जब चाहें उसको खुद अकेले में भी कर सकते हैं छोटी सी जगह पे। ठीक है धीरेन्द्र, आप आ जाइए उसको देखिए। सभी पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप सर्कुलेट करा गया है, उसका लिंक, तो उसको ज्वाइन कर लें। हाँ जी, सो अभी हम लोग ने पहले चरण से शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले नमस्कार किया था, तो नमस्कार के लिए एक बार पूरा एक उसके कुछ चरण थे, उसके उसके हिस्से थे, वो पूरे करते हैं पहले। पूरा तो पहला उसका था, चार स्टेप्स थे उसके, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह था। ठीक है, वापस एक बारी, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। इसके बाद हम लोगों ने किया था तत्कार। तत्कार के बारे में गुरुजी ने एक्सप्लेन भी किया था आप लोग को, चार बोल आठ बोल है, चार जाना और चार आना, यानी राइट लेफ्ट जाना, लेफ्ट राइट वापस आना, यानी एक दो तीन चार, ये था जाना वापस आना था, एक दो तीन चार, यानी राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट। इसमें गुरुजी ने एक और चीज बोला था आप लोग को, हाथ को बांधने का तरीका बताया था, हाथ को बांधना था लेफ्ट राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड को प्लेस करना था और सॉफ्टली जेंटली उसको खड़े होना था, फिर तत्कार करना था। सो एक दो तीन चार दो, अब तबले का टीका बोल रहा हूँ मैं यहाँ, चार धा दिन 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 धा तीन तीन ता तीन तीन दा एक दो
थे, अब इसके दो गुण इसके बाद चार सेट ऑफ मूवमेंट बताया था। पहला सेट था ऊपर की साइड का मूवमेंट, आपको पहले बताया था इंडेक्स फिंगर अंगूठे के ऊपर प्लेस करनी है और उन दोनों को यहाँ आकर इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पहला मूवमेंट बताया था ऊपर जाना था, पाम पीछे की साइड फेस कर रही है, फिर कलाई से घुमा के आगे लाना था और नीचे लाना था इसे। अभी आ जाएगा, हाँ। तो ये था ता थे थे तत और आ थे थे तत, यानी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। नाउ हैंड्स एंड फीट कोऑर्डिनेटिंग टुगेदर, एक दो तीन चार, त आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे दस थे। हाँ सॉरी, इसको डबल करना, डबल, ठीक है। वन टू थ्री फोर, ता थे थे तत आ 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 थे थे तत ता। अब साइड साइड में आपको जाना था, पाम फेसिंग अप देन पाम फेसिंग डाउन एंड पुल इट बैक, यानी आपकी कलाई ऊपर की तरफ है, फिर हथेली नीचे की तरफ है और वापस खींच लेना था पैर के साथ। ता थे थे तत आ थे थे तत एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, डबल एक दो तीन चार, आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ। थर्ड मूवमेंट था जिसमें गुरुजी ने बोला था कमर को बेंड करना है जाकर, ठीक है। यहाँ से कमर को ले जाकर बेंड करना है और हाथ को इस जगह प्लेस करना है, यानी शोल्डर लेवल से नीचे कमर के साथ, ठीक है। और वही बताओ नीज, बिल्कुल नीज और हिप बैंड करना है, लेकिन हिप ऐसे या नी ऐसे नहीं आएगा, आप सीधे खड़े रहेंगे, सिर्फ आपको वेस्ट यानी आपकी कमर से रिब्स के रिब केज के नीचे से बैंड करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बैंड होगा कुछ भी, ना ही आप हिप को आगे पुश करेंगे इस तरह से, ठीक है। सिर्फ कमर से बैंड करना है आपको, ठीक है। यहां से ता पाम फेसिंग अप पाम फेसिंग डाउन एंड कम बैक, यानी हथेली ऊपर हथेली नीचे और come to the center, ठीक है। फ्रंट पे खड़े होके करेंगे, वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ता थे थे ई ता ते आ थे थे ता ते ता थे थे ई ता ते आ थे थे ता ते ता थे थे ता ते आ थे थे डबल ता थे थे तत आ थे थे तत एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ता थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ। इसके बाद था एक गोलाई वाला मूवमेंट गुरुजी ने बताया था, तो जो यहाँ से शुरू होता है ओरिजिन
पूरा यहाँ तक जाता और कलाई से कंप्लीट करता हुआ गोला, यहाँ से गोला बनाता हुआ कलाई से कंप्लीट करता हुआ आता है, ठीक है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। आ ते ते ता ता आ ते ते ता ता ते ते ता ता ते ते ता 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 ते ते दोन ता 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 ते ते ता 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 ते ते 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 ता ता ते ते। ठीक है, ये चारों मूवमेंट्स आपको कराए थे। इसके बाद गुरुजी ने आपको बताए थे 5 स्टेप्स के चक्कर, जिसको कहा 1 2 3 4 5, जो राइट से शुरू होना था राइट पर ही खत्म होना था। और उसके बोल थे तिग धा दिग दिग थे। तो उसको पहले चक्कर को एक बार बता देता हूँ, फिर उसकी एक एक्सरसाइज भी रिपीट करने को बोला था गुरुजी ने। चक्कर थे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5 तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे। ये चक्कर बताए थे, फिर इसको सिंगल और डबल में एक्सरसाइज के साथ रिपीट कर करना था आप लोग को। इसके हस्तक बताए थे, सामने खुलना था हाथ तिग, ठीक है, पैर के साथ तिग इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ पर पढ़ना है, एक दो तीन चार पांच, और पूरे 5 काउंट में हाथों को समेट लेना था, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। एक दो तीन चार पांच एक था दीग दीग थे एक था दीग दीग थे एक था दीग दीग थे फिर इसकी एक एक्सरसाइज बताई डबल इसकी एक्सरसाइज हाँ इसकी एक्सरसाइज थी तेग धा देग देग थे तेग धा देग देग थे तेग धा देग देग ता थे थे तक आ थे थे तर डबल तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग ता थे थे तर आ थे थे तर एंड तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे। ये सम है, सम था, ठीक है। चलिए इसको एक बार कर लेते हैं एक्सरसाइज को, एक दो बारी कर देता हूं मैं, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग ता थे थे ता थे आ थे थे ता डबल ठीक है। इसके बाद श्लोक था वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से थोड़ा से गा लेता हूँ, आप कीजिएगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा Anybody has any question? Do you want to ask something? There are three messages. I'm just reading. If anybody has any question, there are no questions right now in this particular inbox chat box. But if anybody has any questions regarding the technical aspect, regarding prayer, regarding Kathak, please do ask. Feel free to ask. किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया हैंड रेज करें. कोई परिभाषा, कोई ताल, कोई लय, ठेका या जो कुछ भी आपने शब्द सुने उससे संबंधित कोई बात. बीना अनिल, आप प्रश्न पूछना चाहती हैं? Sir, I am having one doubt. Actually, I am a Bharatanatyam Mohiniyattam dancer. Can you hear me? Hello? Yes, sir. I can. Sir, good morning. My name is Beena Anil. And I am having one doubt. How many speeds like in Bharatanatyam? Three speeds like Vilambita Kal, Madhyama Kal, like that. In this Kathak dance, how many speeds are you using? Absolutely three, like your speeds. Vilambita kal, yani vilambit lay. We called it vilambit lay, madhya lay, and drut lay. There are three speeds we use. Sir, I can hear you. Yes. Can you please little more audible? Yes. Am I audible now clearly? Hello. Are you able to hear me? Yes, sir. Yeah, we have the same pattern of speed like you have. We call it. Okay. So, according to Tal, Dashapran of Tal, the particular word what you are using, Vilambit Kal, Madhya Kal, and Drut Kal. We call it Vilambit Lay, Madhya Lay, and Drut Lay. So, yeah, we have the same patterns of lay, vilambit, and then madhya, and drut. Means the lay, what we initiate the dance with, that is called vilambit lay. And then slowly we change the pace, speed, or tempo. Then we come to the madhya lay, and we finish our performance, or we conclude our performance, especially the technical aspect of dance, with drut lay. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, beautiful question though. Anybody has another question? I think no. Doesn't seem. Please do come with the curiosity.
गूगल जेनरेशन हो आप लोग तो पढ़ सकते हो खूब सारा. सो इनको कह दो कि ठीक है 12 बज रहे हैं कल 9 बजे. वंशिका श्रुति जी मैम, वंशिका थोड़ा टाइम वर्कशॉप का देखती रहना. हाँ जी हाँ जी. आई थिंक टाइम लगभग ओवर हो रहा है. यस 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 आई थिंक. यदि किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछना तो हम आगे बढ़ते हैं. और इसके बाद मैं अब सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस का पालन करें. वर्कशॉप के दौरान हमेशा अपना कैमरा ऑन रखें. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में दे दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लें. ये कार्यशाला 5 दिन चलेगी, 22 से 26 जून तक, तो इसे रोज ज्वाइन करें और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. इसके बाद आज के दिन का शेड्यूल है 1:15 to 2 योग निद्रा, 2 PM to 3:30 PM मुर्तजा दानिश हुसैन दस्तान गोई, 3:30 PM to 5 विदुषी पीजन बाईजी पंडवानी, 6 to 7:30 इन द इवनिंग डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी वॉयलिन, 7:30 to 9 विदुषी अरुणा सेरम कर्नाटिक वोकल. अब मैं हमारी सीनियर वॉलेंटियर नीरजा शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर वो कुछ कहना चाहती है तो. हाँ वंशिका धन्यवाद. मैं सारे प्रतिभागियों को, मेरी आवाज आ रही है वंशिका? यस मैम, मैं श्रुति हूँ. अच्छा श्रुति, सॉरी. ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी गुरुजी ने बताया, तो आपने जो चीजें सीखी हैं, नमस्कार, तत्कार, 3 ताल के ठेके, हस्तक के 4 स्टेप्स, 5 पैर का चक्कर, दिग्धा दिग्दिग थे, पहले ठा फिर दुगुन में, उसके बाद आपने स्तुति सीखी गणेश स्तुति श्लोक सहित. तो सभी बच्चों को मैं बता दूं कि कल आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रेजेंट करना पड़ेगा गुरुजी के सामने. तो कभी भी टाइम निकाल के, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, यूट्यूब पे ये रिपीटिशन होगा, आप देख के प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि काफी कुछ आपको सीखना है, काफी कुछ आपने आज सीख भी लिया है. तो प्लीज सारे पार्टिसिपेंट्स एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के ये रिहर्सल कर लेंगे, नमस्कार से शुरू करके और श्लोक तक, क्योंकि कल गुरुजी थोड़ा सा आपका टेस्ट लेंगे, आपका देखेंगे कि आपने क्या सीखा है. हाँ श्रुति कैरी ऑन. अब हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे गुरुजी राजेंद्र गंगानी जी का, उनके शिष्य धीरेन्द्र जी व प्रीति जी का, और आप सभी का जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर इसे प्रभावी बनाया. धन्यवाद. कल भी जुड़िए और इसे यहाँ से बहुत कुछ सीखिए. श्रुति 2-3 पॉइंट आप मिस किया ना, वो आदित्य ने जो ग्रुप में डाला था, प्लीज वो भी. हाँ भैया, वही की कार्यशाला 5 दिन की है, तो कृपया रोज इसे ज्वाइन करें और कैमरा हर वक्त ऑन रखें. अगर हो सकता है तो कृपया करके कैमरा अपना हर वक्त ऑन रखें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक चैट बॉक्स में दे दिया गया है, वहीं पर आगे लिंक भी भेजा जाएगा. जो भी कैमरा ऑन करेगा मैं उनको स्पॉटलाइट में ऐड कर दूंगा, आप यूट्यूब पे दिखोगे. ठीक है, तो अभी मैंने सबका जो जी गुरुजी बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, श्रुति बोल रहे हैं, वंशिका, सबको मैंने स्पॉटलाइट किया है. जो भी ऑन रखेंगे उनको सबको स्पॉटलाइट करूंगा. श्रुति मैं एक बात और भी कह दूं, शशि भूषण जी. हाँ. ये जो बच्चे सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं एक बात और बता दूं, आज मैंने ये नोटिस किया है, पता नहीं बच्चे थक जाते हैं, आप सुबह दूध बॉर्नविटा वगैरह लेके बैठिए और जब भी गुरुजी आपको इंस्ट्रक्शन दे आप खड़े होइए. आप 3 ताल लगा रहे हैं, आप बैठ सकते हैं कुर्सी पे, क्योंकि आपको हाथ पे ताली दिखानी, बट जब आप मूवमेंट्स कर रहे हैं, मैंने आज नोटिस किया है बहुत बच्चे बैठे रह जाते हैं, प्लीज आप खड़े होइए. कथक तो खड़े होके हाथों पैरों का मूवमेंट है, तो प्लीज कल आप और अधिक तैयार होके आइए. और गुरुजी ने बहुत अच्छा आप लोगों को सिखाया है, बहुत अच्छे प्रकार से आपके शिष्यों ने बताया है, तो इसका फायदा उठाइए. स्पीक मैके आपके लिए, देखिए ये इतना अच्छा आयोजन ऑनलाइन कर रहा है. थैंक यू. नमस्कार. आई विल स्टॉप स्ट्रीमिंग गुरुजी.